नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो अर्चायाणं नमो लोये सौवसाऊनं कम्मटजनियवेयण वै समुत्तिन्नये जिनेणमियुं वेयण महाहियारं विविहियारं परुवेमो योगस्थानों में जीवों की संख्या निकालने के लिए भागहार का प्रमाण बता रहे हैं। यो मध्य के जीवों का प्रमाण निकालने के लिए तीन गुना हानि भागहार का प्रमाण है। यहाँ पर 1536 रस पर्याप्त राशि मान करके और पूरे कुछ कम न करके पूरे तीन गुना हानि भागहार मान करके गणित दिखा रहे हैं। तो यहाँ अपन ने देखा कि यो मध्य के तीन गुना हानि भागहार है, तो आगे यो मध्य गुण हानि का आधा भाग जाने पर वहाँ कितना भागहार होता है, तो वहाँ चार गुना हानि भागहार होता है। और चार गुना हानि किस प्रकार होता है उसको क्षेत्र विधान से करके दिखाया कि उसका चौथे भाग को अलग निकाला और तीन चतुर्थांश भाग रखा और चौथे भाग के फिर वापस तीन गुना हानि आयाम की ओर से तीन खंड किए और तीन गुना हानि के तीन चतुर्थांश यो मध्य और तीन गुना हानि प्रमाण जो खंड हुआ था उसके आगे एक एक गुना हानि ऊपर ऊपर जोड़ा, तो चार गुना हानि बाय तीन चतुर्थांश यो मध्य इस प्रकार क्षेत्र बन गया। इसलिए यो मध्य गुना हानि के मध्य भाग मतलब आधा भाग जाने पर जो योग स्थान होगा वहाँ के जीवों की संख्या निकालने के लिए चार गुना हानि भागहार होता है। मतलब वो निकाला। अभी आगे पांच गुना हानि भागहार कहाँ पर होता है वो दिखा रहे क्षेत्र विधान से। 92 नंबर पेज है, पृष्ठ नंबर 92। पांच गुना हानि मात्र भागहार के उत्पन्न करते समय कराते समय यो मध्य के अढ़ाई खंड करके उनमें से एक खंड को अलग कर देने पर शेष इच्छित क्षेत्र होता है। अलग किए हुए एक खंड में से अढ़ाईवें भाग विस्तृत और दो गुणहानि आयत क्षेत्र को ग्रहण कर विस्तार को विस्तार के साथ मिलाकर प्रथम खंड में मिला देने पर पांच गुणहानि या आयाम होता है। शेष खंड को मध्य में फाड़कर विस्तार को विस्तार में मिलाकर स्थापित करने पर पांचवा भाग विस्तृत और दो गुणहानि आयत क्षेत्र होता है। फिर इसे उठाकर पांचवे भाग को पांचवे भाग के पास लाकर पार्श्व भाग में मिलाने पर यहाँ भी पांच गुणहानियाँ आयाम होता है। इस कारण यहाँ पांच गुणहानियाँ भागहार है। इसी प्रकार अन्यत्र भी शिष्यों की बुद्धि को विकसित करने के लिए भागहार की प्ररूपना करना चाहिए। यहाँ पर यो मध्य विस्तार वाला और तीन गुना हानि आयाम प्रमाण एक क्षेत्र है, इसके अढ़ाई खंड करना। कितने खंड करना? हाँ, अड़ीस। मतलब ये एक पूरा, मतलब ये जो अभी 128 था, 128 का अढ़ाई खंड करेंगे तो थोड़ा अपूर्णांक में आएगा वह उत्तर। इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा उदाहरण बदल करके तो सीधा समझ में आता है। इसलिए समझो कि इसको 125 माना, तो ये 50, ये 50 और ये 25, ऐसा। मतलब सरलता के लिए 128 किया तो भी चलता है, वो एक आधा आधा लेना पड़ता है केवल। तो इसको
अढ़ाई खंड किए इसके, फिर इसमें से जो एक खंड है उसको पृथक रखो, और इसके जो डेढ़ खंड है उसको उतने प्रमाण वह क्या होगा, विस्तार होगा, मतलब ये 75 होगा विस्तार, ऐसे वो अंक गणे इससे अपना जो है उसके इस हिसाब से करेंगे तो कितना होता है, यहाँ 5 का भाग दे 2 से गुना किया तो पूर्णांक में आएगा ना, 5 2 नहीं 10 और 5 5 25 3 पंचमांश, और इसका दुगुना करेंगे तो 50 नहीं 51 हो जाएगा ना, 51 और 1 पंचमांश होगा, बरोबर है कैसे, मतलब इसके अपन 128 को ही लेकर के करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 51 एक पंचमांश, 51 एक पंचमांश, और यहाँ 25 और 3 पंचमांश, ऐसा होगा, लेकिन वो जीवों का प्रमाण आधा आधा नहीं होता, इसलिए पूरा लेने के लिए ऐसा किया समझो, और सरलता से समझ में आता है सब। तो इसमें से जो एक पूरा खंड है उसको अलग करेंगे, और डेढ़ खंड यहाँ रखा उसको पृथक रखा, तो ये इसको ऐसा ही रखो इधर अपना, इसको नीचे ये डेढ़ खंड है, तो ये 3 गुणहानि और ये यवमध्य का कितना हो गया, हाँ मतलब ढाईवा क्या बोलेंगे उसको, डेढ़वा भाग, डेढ़ भाग उसका मतलब, मतलब इसके अढ़ाई भाग किए उसमें से डेढ़ लिया, और ये एक भाग जो है उसको नहीं उस इधर ही करते हैं, ये 3 गुणहानि है, इसमें से 2 गुणहानि लेना और 1 गुणहानि अलग रखना, तो ये 2 गुणहानि लंबाई है, और जो अढ़ाईवा भाग इसका जो है इसका जो विस्तार है इसको, ये भी अढ़ाईवा भाग है ना, एक जो है वो अढ़ाईवा भाग है, तो इस विस्तार के साथ इस विस्तार को रखना यहाँ, और ये लंबाई लंबाई की तरफ रखना, तो ये कितनी गुणहानि है, ये 3 गुणहानि है और ये 2 गुणहानि, 2 गुणहानि और 1 गुणहानि ऐसा किया ना अलग अलग, तो ये 3 और 2 कितने हो गए, 5 गुणहानि, और ये 1 गुणहानि है, और लेकिन इसकी विस्तार कितना है, ढाईवा भाग है, और ये है जो है वो पांचवा भाग है, ये अढ़ाईवा भाग है और ये पांचवा भाग है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, इसके वापिस ये 1 गुणहानि है तो इसका आधा फाड़ेंगे, इसको बीच में से विस्तार में से आधा करेंगे, तो यहाँ पर ये 1 गुणहानि और इसको इसके आगे रखेंगे, 1 गुणहानि और 1 गुणहानि, तो ये कितने हो गए, 2 गुणहानि, और इसका विस्तार कितना हो गया, अढ़ाईवा भाग, ये पांचवा भाग था ना उसका आधा किया तो वो अढ़ाईवा भाग हो गया, तो नहीं पांचवा भाग हो गया, अब अढ़ाईवा भाग था उसका आधा किया तो पांचवा भाग हो गया, तो इस यहाँ पर भी जो विस्तार है वो कितना है, पांचवा भाग है, उसको इस विस्तार को इस विस्तार के साथ रखेंगे, और ये 2 गुणहानि हो गई है तो 2 गुणहानि प्रमाण रखा इसको, तो यहाँ कितना हो गया, जो 5 गुणहानि तो लंबाई हो गई पूरी, और इसका जो विस्तार है तो वहाँ का जो निषेक होगा उतने, हाँ मतलब यवमध्य के गुणहानि में ही यवमध्य के आधे के आगे गए, कितना आगे रहे वो बताया क्या उन्होंने अभी इसमें, मैंने एक मिनट
पांच गुना हानि मात्र भागार के उत्पन्न अयव मध्य के अढ़ाई खंड करके उनमें से एक खंड को अलग कर देने पर शेष इच्छित क्षेत्र होता है, मतलब वहां पर जो योग स्थान होगा उसका वो विस्तार हो जाता है। कितना, ये अढ़ाई खंड में से एक अलग रखो, हाँ उसमें ये डेढ़ खंड रह गया यहाँ पर, तो उतना जो योग स्थान का, जिस योग स्थान के वो जीवों की संख्या होगी उतने प्रमाण वह विस्तार हो जाएगा। और फिर उसकी लंबाई कितनी होगी, तो उसका जो भागार है कितना होगा, वो भागार पांच गुना हानि भागार हो गया उसका। वो मतलब ये सरल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि ये अढ़ाईवा भाग अलग रखा और उसके आयाम की ओर से दो खंड किए, दो गुना हानि का एक खंड किया और एक गुना हानि का एक खंड किया, और दो गुना हानि को इस तीन गुना हानि के आगे रखा, तो ये पूरी पांच गुना हानि हो गई। लेकिन अभी इतना कम था ना, तो उसको ये एक गुना हानि का जो खंड था उसको बीच में से विस्तार में से दो किया, तो या और इस एक गुना हानि के आगे ये एक गुना हानि रखी यहाँ पर और उसको यहाँ रख दिया, तो पूरा क्षेत्र कितना बन गया, तो जो इच्छित अपना निषेक है उतने प्रमाण विस्तार हो गया और पांच गुना हानि प्रमाण लंबाई हो गई। इसलिए इस इच्छित निषेक को निकालने के लिए भागार कितना हो गया, पांच गुना हानि भागार हो गया। लो ये यो मध्य की गुना हानि में ही पांच गुना हानि भागार होता है। इस प्रकार ये आदि है, ये पूरा एक और एक पूरा एक, तो यहाँ पर ये नहीं, ये आधे ही हो गए ना, ये आधा है और एक पूरा है, तो यहाँ पर ये एक पूरा था उसमें से आधा किया ना, और फिर इसके एक के आगे एक रखा है। हाँ, तो इसके यहाँ पर ये पचास है, पचास का विस्तार यहाँ पर ये पचास है ना, यहाँ रखा और ये दो गुना हानि विस्तार, दो गुना हानि लंबाई है और ये पचास है, तो इसमें बीच में से किया तो पच्चीस हो गया ना, ये पच्चीस और ये पच्चीस हो गया, और ये पच्चीस ही है, फिर ये पच्चीस के आगे पच्चीस रखा, मतलब एक गुना हानि और एक गुना हानि, इस प्रकार दो गुना हानि है, तो लंबाई तो पांच गुना हानि हो गई, ये तीन गुना हानि और ये दो गुना हानि, और विस्तार कितना हो गया, जो इच्छित निषेक है वहाँ पर उतने विस्तार वाला हो गया। पांच गुणहानि मात्र भागहार के उत्पन्न कराते समय यो मध्य के अढ़ाई खंड करके उनमें से एक खंड को अलग कर देने पर शेष इच्छित क्षेत्र होता है। अलग किए हुए एक खंड में से अढ़ाईवें भाग विस्तृत और दो गुणहानि आयत क्षेत्र को ग्रहण कर विस्तार को विस्तार के साथ मिलाकर प्रथम खंड में मिला देने पर पांच गुणहानियां आयाम होता है। समझ में आ रहा होगा ना? शेष खंड को मध्य में फाड़कर विस्तार को विस्तार में मिलाकर स्थापित करने पर पांचवा भाग विस्तृत और दो गुणहानि आयत क्षेत्र होता है। फिर इसे उठाकर पांचवें भाग को पांचवें भाग के पास लाकर पार्श्व भाग में मिलाने पर यहाँ भी पांच गुणहानियां आयाम होता है। इस कारण यहाँ पांच गुणहानियां भागहार है। इसी प्रकार अन्यत्र भी शिष्यों की बुद्धि को विकसित करने के लिए भागहार की प्ररूपना करना चाहिए। यहाँ उपयुक्त गाथा, रूपाधिक इच्छित आयाम से विस्तार को अपरुत करना चाहिए। ऐसा करने से जो लब्ध हो उसमें दीर्घता को मिलाने पर इच्छित भागहार होता है। उदाहरण, इच्छित आयाम तीन गुणहानि, विष्कम्भ आठ, प्रक्षेप एक, प्रक्षेप तीन अधिक एक, हाँ विष्कम्भ आठ प्रक्षेप, तीन अधिक एक चार हो गया, हाँ। एक अधिक करना ऐसा कहा ना, रूपाधिक इच्छित आयाम से, इच्छित आयाम तीन गुणहानि है उसमें एक अधिक करना और जो विष्कम्भ है उसमें भाग देना, आठ में भाग दिया चार तो दो आ गया,
अब इसमें जो इच्छित आयाम है उसको जोड़ना, इच्छित आयाम है उसको जोड़ना, तो कितना हो गया, पांच गुना हानि हो गया। इच्छित द्रव्य का आहार काल होता है। इस प्रकार गुण हानि के सब स्थानों के समाप्त होने तक जानना चाहिए। द्वितीय गुण हानि के प्रथम निषेक के प्रमाण से अपरूत करने पर छह गुण हानिया भागहार होता है, क्योंकि पहले के क्षेत्र को मध्य में फाड़कर पार्श्व भाग में मिलाने पर यौ मध्य से अर्ध भाग प्रमाण विस्तृत और छह गुण हानि आयत क्षेत्र उत्पन्न होता है, अथवा एक गुण हानि आगे गए है इसलिए एक रूप का विरलन करके दुगुणित कर अन्यन्य गुणित राशि से तीन गुण हानियों के गुणा करने पर छह गुण हानियां उत्पन्न होती हैं। शिष्यों की बुद्धि को विकसित करने के लिए इस गुण हानि की भी पूर्व में कही गई गणित प्रक्रिया सब कहना चाहिए। बुद्धि विकसित हो गई है। सांगो कहे छह गुण हानिया का तो सरल है, ऐसे सब यौ मध्य प्रमाण विस्तृत तीन गुना हानि प्रमाण आयाम वाला एक क्षेत्र है, एक स्वार्थ है। इसको क्या करना, बीच में से फाड़ना बराबर, तो यौ मध्य का आधा हो गया ना, ये 64 हो गया, ये 64 हो गया। अब इसको बीच में से फाड़ करके एक क्षेत्र के आगे, एक आयाम के आगे दूसरा आयाम रखना, तो ये तीन गुण हानि है और ये तीन गुण हानि है, तो कितनी गुण हानि हो गई, छह गुण हानि। और विस्तार कितना हो गया, मध्य का आधा, तो दूसरे गुण हानि के जो पहले योग स्थान के जीवों का प्रमाण है वो बराबर आधा है, इसलिए 64 होगा यहाँ पर विस्तार, और लंबाई हो गई छह गुण हानि, ये तीन और ये तीन, तो दोनों मिला करके छह गुनाहानि हो गई। इसलिए दूसरे गुनाहानि के पहले निषेक का भागहार जो है वो छह गुनाहानियां है, जितनी लंबाई होती है ना वो भागहार समझना उसको, क्योंकि उतने प्रमाण से अपन सब द्रव्य को करेंगे तो कितना हो गया, छह गुनाहानि हो गया। इसी प्रकार आगे भी इसी प्रकार अब आगे आगे की गुणहानि का जब पहले निषेक निकाल, निषेक का भागहार निकालना है, तो वहाँ इसके क्या करना, चार खंड करना, ये जैसे दो खंड किया ऐसे चार, चार खंड करके चार को परस्पर सामने रखना, तो ये तीन गुणहानि है, फिर इसको इसके आगे रखेंगे तीन गुणहानि, फिर उसके आगे रखेंगे तीन, और इस प्रकार तीन चौक 12 गुणहानियाँ हो गई। इसलिए अगले गुनहानि के पहले निषेक का भागहार कितना होगा, 12 गुनहानि। इसी प्रकार उसके आगे के निषेक का, अगले गुनहानि के प्रथम निषेक का भागहार इसके 8 टुकड़े करना, वो 8 को एक के सामने एक रखना, 3×8=24 मतलब नहीं हाँ, तो कितने 3, 6, 12 और 24 गुनहानियाँ होगी, 24 गुनहानियाँ होगी। इस प्रकार आगे आगे समझना जितना करना है। ये क्षेत्र की अपेक्षा से देखा, अब दूसरे यहाँ पर जो उनकी निकालने की ये है सूत्र है कि किस गुण हानि में कितना भाग आ रहे, ये निकालने के लिए एक पद्धति से तीसरे गुण हानि का निकालना या तीसरे गुण हानि का, चौथे गुण हानि का भागार निकालना है, तो उसके लिए क्या करना कि जितने गुणहानि अपन आगे गए हैं उतने का विरलन करना, दूसरी गुणहानि तो एक गुणहानि आगे गए ना, तो इसलिए एक का विरलन करना, तीसरी गुणहानि का निकालना है तो दो गुणहानि आगे गए हैं इसलिए दो का विरलन करो, और उसके ऊपर दो संख्या रखना। तो यहाँ अपन दूसरी गुणहानि का निकाल रहे तो एक ही विरलन किया और उसके ऊपर दो रखा, और जो परस्पर गुना करके जो राशि आएगी उसको तीन गुणहानि से गुना करना। बराबर
तो कितना हो गया? छह गुना हानि हो गया। तो दूसरे गुना हानि के पहले निषेक का भाग हार छह गुना हानि। फिर आगे समझो तीसरी गुना हानि है, उसका निकालने के लिए क्या करेंगे? दो का विरलन करेंगे और उसके ऊपर दो दो रखेंगे। इन दोनों का परस्पर गुणा किया, आवाज किस दो गुणित दो कितना हो गया? चार। चार को तीन गुना हानि से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 12 गुना हानि। इस प्रकार जितने भी गुना हानि का आपको निकालना है उतनी बार एक एक अंक रख करके, जितनी गुना हानि अपन आगे गए उतने बार एक एक का विरलन करके उसके ऊपर दो अंक रखना और परस्पर गुना करके जो लब्ध आया उसको तीन गुना हानि से गुना करना, क्योंकि तीन गुना हानि का ही दो गुना करते गए हैं ना। दूसरे गुनाने में एक बार दुगना होगा, तीसरे गुनाने में दो बार दुगना होगा, चौथे गुनाने में तीन बार दुगना होगा, इसलिए जितने गुनाने हैं उतने प्रमाण विरलन करके उसके ऊपर दो अंक रखा है और जो लब्ध आया उसको तीन गुनाने से गुना किया है, तो उस गुनाने के प्रथम निषेक का भागहार आता है। हाँ, सूत्र हो गया। इससे आगे की गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार 12 गुणहानियां है, क्योंकि यौ मध्य प्रमाण विस्तृत क्षेत्र की चार फालियां करके पार्श्व भाग में मिलाने पर 12 गुणहानियां उत्पन्न होती हैं। ये अभी बताया था, चार भाग करना और उसको एक के सामने एक रखना तो 12 गुणहानियां होती हैं। अथवा दो गुणहानियां आगे गए हैं इसलिए दो संख्या का विरलन करके द्विगुणित कर परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो उससे तीन गुणहानियों को गुणित करने पर 12 गुणहानियां उत्पन्न होती है। आगे साधिक 12 गुणहानियां भागहार है। 12 गुणाने में थोड़ा अधिक अधिक होता जाएगा ना भागहार, फिर 24 गुणहानियां भागहार होगा। इससे आगे की गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार 24 गुणहानियां होती है, क्योंकि पूर्व क्षेत्र के विषकंब के 8 खंड करके उनमें 7 खंडों को आयाम से मिला देने पर 24 गुणहानियां उत्पन्न होती है। अथवा तीन गुणहानियां आगे गए हैं इसलिए तीन की अन्योन्य भ्रष्ट राशि से तीन गुणहानियों को गुणित करने पर 24 गुणहानियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार जितनी जितनी गुणहानियां आगे जाकर भागहार इच्छित हो उतनी उतनी मात्र गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर दुगुना करके अनन्य व्यस्त राशि से तीन गुणहानियों को गुणित करने पर अथवा उसी राशि से यव मध्य के विस्तार को खंडित करके पार्श्व भाग में मिला देने पर भी वहां का अवहार काल होता है। क्षेत्र के विधान से निकालो या इस पद्धति से निकालो, विरलन करके दुगुना करके तीन गुणाने से गुना करके, दोनों पद्धति से आता है ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार इस विधान से रूप कम जघन्य परिता संख्यात के अर्ध छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाने तक यह क्रम जानना चाहिए। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए। विशेष इतना है कि इससे आगे की गुणहानियों में सर्वत्र असंख्यात गुणहानियां अवहार काल होती है। जघन्य परिता संख्यात के जितने अर्ध छेद है उतनी बार आधा दुगुना दुगुना होता गया तो जगन परिता संख्यात आएगी ना संख्या, इसलिए एक कम जगन परिता संख्यात के अर्ध छेदों के बराबर उतनी गुणहानियां हो गई, तो उतना अपन मतलब एक कम जगन परिता संख्यात के जितने अर्ध छेद है उतने बार एक एक अंक रखेंगे और उसका दो दो रखेंगे, उसके ऊपर परस्पर गुना करेंगे तो क्या कौन सी राशि आएगी? जगन परिता संख्यात का आधा, क्योंकि एक कम के है ना तो आधा आ गया, तो वहाँ तक संख्यात गुणहानि भागहार हो गया। फिर उससे उसके आगे उसे दुगुना करेंगे तो वहाँ पर जगने परिता संख्यात राशि आएगी तो वह असंख्यात गुणहानि भागहार प्रारंभ होगा। या नीचे से असंख्यात गुणहानि था फिर जगने परिता संख्यात के जितने अर्ध छेद है उनसे जितने अधिक अर्ध छेद है उतनी गुणहानियाँ होने के बाद वह असंख्यात गुणहानि भागहार प्रारंभ हुआ। फिर आगे तीन गुणहानि तक आए, वापिस तीन गुणहानि का भागहार बढ़ता गया
तो 6, 12, 24 ऐसा होते होते जगने परिता संकेत के जितने अर्धच्छेद है उसमें एक कम करके उतने बार अपन दुगुना दुगुना करते गए तो वहाँ तक संकेत गुणानीय भागार है। फिर एक बार उसका दुगुना किया कि जगने परिता संख्या संख्या आई तो वहाँ से लेकर के असंख्यात गुणानीय भागार ऊपर के योगस्थान के जीवों का प्रमाण निकालने के लिए हुआ। तीन गुना हानि का, तीन गुना हानि का ही कितनी बार दुगुना किया ये बोला, जग एक कम जगने पर था संख्यात बार दुगुना किया ना उसको, हाँ संख्यात आएगा, हाँ वो संख्यात ही आएगा ना, गुण हानि असंख्यात आएगी, हाँ वो भागर तो असंख्यात होगा लेकिन गुण हानि, क्योंकि गुण हानि का प्रमाण ही असंख्यात है, जगत श्रेणी का असंख्यात व भाग ऐसा असंख्यात है। करते ऐसे ऊपर है वैसे ही नीचे है ना, ऊपर और नीचे में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। कुट वो वैसा ही वो दूसरे गुण हानि है ना, इसका जो लास्ट 64 वहाँ आया ना दूसरे गुण हानि का, तो उसका भागहार 6 गुण हानि होगा ना, 128 का 3 गुण हानि है तो यहाँ जो नीचे से वो वहाँ पहला गिना जाएगा ना 64, तो उसका भागहार उससे दुगुना आया ना, 3 गुण हानि का दुगुना। फिर नीचे की गुण हानि के जो इधर उधर ऊपर से देखेंगे तो लास्ट कहेंगे लेकिन नीचे से देखेंगे तो वो पहला ही निषेक है ना, तो उसका भागहार भी उससे दुगुना हुआ। ऐसे नीचे भी दुगुना दुगुना भागहार है ना यो मध्य से, तो वैसे ही वो जगने परता संख्यात एक कम प्रमाण जाएंगे तो वहां तक संख्यात गुणहानि या भागहार रहेगा। तसच निघणार की यहाँ पर एक गुणहानि आगे गए हैं तो एक के ऊपर दो रखो और तीन गुणहानि को गुना करो तो 6 गुणहानिया, क्योंकि समान ही होगा ना नीचे और ऊपर सब जगह। विशेष इतना है कि विशेष इतना है कि इससे आगे की गुणहानियों में सर्वत्र असंख्यात गुणहानियां अवहार काल होता है। उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर असंख्यात गुणहानियां अवहार काल होती है, क्योंकि यव मध्य के आगे की सब गुणहानि शलाका शलाकाओं का विरलन करके दुगुनित कर कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि से तीन गुणहानियों को गुणित करने पर उत्कृष्ट योग जीव भागहार उत्पन्न होता है। या कुछ कम करना क्यों पड़ा, क्योंकि वो मतलब ऐसे अभी किया ना कि जितने गुणहानियां अपन आगे गए हैं उतने एक एक कांक रख करके उस पर दो दो रख करके परस्पर गुना करना, और उसको तीन गुणहानि से गुना करने पर अगले गुणहानि का पहले निषेक का भागहार आता है, लेकिन ये उत्कृष्ट योग स्थान है वो पिछले गुणहानि का अंतिम निषेक है। यहाँ से दिखा दे, देखो यहाँ भी नियम क्या बताया था कि जिस गुणहानि का अपने को भागहार निकालना है तो वह जितने भी गुणहानि हो मतलब तो उतने बार क्या करना है, एक एक का विरलन करना। तीसरी गुणहानि है तो दो गुणहानि आगे गए हैं इसलिए दो का विरलन किया और उसके ऊपर दो दो रख करके परस्पर गुना किया, और तीन गुणहानि से गुना किया उसको अन्योन्याभ्यस्त राशि को, ये अन्योन्याभ्यस्त राशि हुई उसको तीन गुणहानि से गुना किया तो ये 12 गुणहानि या भागहार किसका हुआ, तीसरे गुणहानि के पहले निषेक का हुआ। तो इसी प्रकार अब लास्ट की गुणहानि जो उत्कृष्ट योग स्थान है तो उस गुणहानि के वह अंतिम निषेक है, इसलिए अब यहाँ पर जितनी गुणहानियां हैं उतने प्रमाण जो ऊपरी तन अन्यभ्यस्त राशि कैसे आई कि 5 गुणहानि है तो 5 बार 2 को परस्पर गुना करो तो कितना आया यहाँ पर 32 आया, और इसको तीन गुणहानि से गुना करो तो कितना हुआ 32 × 96 मतलब 96 गुणहानियां हो गई भागहार। एक इसका होगा भागहार इसके ऊपर यदि छठी गुणहानि होती तो उसके पहले निषेक का भागहार वो निकलता,
क्योंकि जितनी गुनाहानी अपन आगे गए उतने प्रमाण विरलन किया ना, और उतने बार दो दो को अंक रखा और उसको तीन गुनाहानी से गुना किया, तो छठी गुनाहानी का वह पहले निषेक का भागार होता। लेकिन ये पांचवी गुनाहानी के अंतिम निषेक का भागार निकालना है, इसलिए क्या किया, इस अन्य भस्त राशि में कुछ कम करके उसको तीन गुनाहानी से गुना किया। इसलिए आप 32 पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि अगला जो आता तो उसका 32 एक गुण का होता, लेकिन अभी पिछले गुना निषेक का अपने को भागार देखना है, इसलिए उसमें से कुछ कम करके तीन गुनाहानी से गुना किया। तो कुछ कम करने के लिए क्या किया, 128 बटे 5 माना, इतना ही लिया ना, बराबर है, और उसको तीन गुनाहानी से गुना किया। तो कितना हुआ यहाँ पर, हाँ तीन गुनाहानी 12 करना पड़ेगा ना उसको, तीन गुणी 4 करेंगे तो क्या होगा, तीन गुनाहानी करना है ना, तीन गुणी 4 करेंगे तो 12 हो गया। तो 128 गुणित 12 बटे 5, तो 128 गुणित 12 कितना हो गया, 1536 बटे 5। ये अंतिम निषेक का भागार हुआ, इसको पूरे द्रव्य को सर्व द्रव्य को इस भागार से भाग देंगे, 1536 को 1536 बटे 5 से भाग देंगे तो उत्कृष्ट योगस्थान के जीवों की संख्या आएगी। तो 1536 गुणित 5 बटे 1536, तो कितना ही गया, दोनों 5 आए, उत्कृष्ट योगस्थान के जीवों की संख्या कितनी, 5 है। तो उत्कृष्ट, इसलिए पहले भी जब अपन ने देखा था ना उस वहाँ पर ये भागार में कम किया था, मतलब पूरा 32 अनन्य अभ्यस्तन राशि न लेकर के ऐसा वहाँ लगा था ना कि नीचे के अधस्तन गुणहानि के पहले निषेक में तो अधस्तन अनन्य अभ्यस्त राशि और गुणित तीन गुणहानि किया था भागार, और ऊपर का उत्कृष्ट योगस्थान का करते समय 5 इसमें कुछ कम किया था उन्होंने व्यस्त राशि में, वो कुछ कम क्यों किया वो अभी समझ में आया यहाँ पर, कि वहाँ पर वो अगले गुनहानि का होता तो पूरे अनन्य व्यस्त राशि होती, लेकिन ये उसकी पिछले गुनहानि के अंतिम निषेक का भाग है, इसलिए पूरे अनन्य व्यस्त राशि न लेकर के कुछ कम अनन्य व्यस्त राशि की। तो 4 बार करेंगे ना उसको, क्योंकि जितने गुनहाने आगे गए उतने बार दो दो का अंक रखना ना वहां पर, तो 16 गुणित 3 मतलब 48 गुनहानिया होगा उसका भागार, और उसके आगे के होता तो वो 96 गुनहानिया होता भागार, और यहाँ उससे कम आया थोड़ा, 96 गुनहाने से थोड़ा कम भागार आएगा, इसलिए 1536 बटे 5 मैंने यहाँ पर ये कितना होगा, ये 128 बटे 5 है, तो 5 दो अभी निकाला था ना अभी, 25 और ऊपर 3 पंचमोश आया था ना, ये बराबर है ना, हाँ तो यहाँ इतना प्रमाण 32 पूरा अनन्य व्यस्त राशि है तो उसमें से इतना कम किया 6 और इतना कम करेंगे 2 पंचमोश, तो पंचमोश कहेंगे ना, इतना कम किया 32 में तो 25 पूर्णांक 3 पंचमोश आया वहाँ पर। कुट कहाँ पर, ये गुनाने आयाम का प्रमाण 4 है इसलिए गुना किया, तीन गुनाने के प्रमाण। उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर असंख्यात गुणहानियां अवहार काल होती हैं, क्योंकि यव मध्य के आगे की सब गुणहानि शलाकाओं का विरलन करके दुगुणित कर कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि से तीन गुणहानियों को गुणित करने पर उत्कृष्ट योग जीव भागहार उत्पन्न होता है।
57 वाच लिया, कुछ कम आने व्यस्त राशि का प्रमाण 128/5 लिया। अब भागा भाग का कथन करते हैं। ये छह अनुयोग द्वारा बताए थे ना उन्होंने, इसको दिखाने के लिए प्रमाण प्ररूपणा भागहार भागा भाग अल्पभूत्व। तो अभी भागा भागहार का प्रकरण हुआ, श्रेणी के कहा गया वो भागा भाग का इसमें आया था ना, वैसे तीसरे भाग में वो कितने भाग प्रमाण है, वो कितने भाग प्रमाण है, ऐसे जगन योग स्थान के जीव कितने भाग प्रमाण है, उत्कृष्ट योग स्थान के जीव कितने भाग प्रमाण है, रेश ये 61 नंबर है, श्रेणी प्ररूपणा हुई है अभी नहीं, आवार भी हो गए ना, प्ररूपणा प्रमाण श्रेणी आवार, ये आवार हो गया। अब भागा भाग बताते हैं अल्पभूत, छह अनुयोग द्वारा बताए थे 61 पेज पर, प्ररूपणा प्रमाण श्रेणी अवहार भागा भाग और अल्पभूत्व, उसमें से चार प्ररूपणा हुई। अब भागा भाग प्ररूपणा करते हैं यहाँ योग स्थान में, जीव एवं मध्य के पिछले स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए ये छह अनुयोग द्वारा आए हैं। यव मध्य के जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, असंख्यात वे भाग प्रमाण है, प्रतिभाग क्या है, प्रतिभाग तीन गुणहानियां है। भागहार मतलब वो प्रमाण निकालने के लिए जितने का अपन भाग देते हैं, यौ मध्य के जीव निकालने के लिए तो उसको संपूर्ण राशि को कितने का भाग दिया, तो तीन गुणहानि का भाग दिया ना, तो उतने वे भाग हो गए ना, वो यौ मध्य के जीव कितने वे भाग हो गए सर्व द्रव्य की अपेक्षा से, पांच आल तो पांच बरोबर, प्रतिभाग करना 20 मना बरोबर, भागहारी तो आया संक्षेप में बरोबर। जगन्य योग स्थान के जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, असंख्यात वे भाग प्रमाण है। उत्कृष्ट योग स्थान के जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, सब जीवों के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, इसी प्रकार सर्वत्र कहना चाहिए। अल्प बहुत्व तीन योग स्थान के जीव सब जीवों के कितने भाग है, असंख्यात वे भाग, तो ये असंख्यात वे भाग का जो प्रतिभाग है वो अलग है, क्योंकि उसको अधस्थान अनन्य व्यस्त राशि और तीन गुणहानि से गुना करो उतने वहां पर ये है भागहार है। वो असंख्यात वा भाग बड़ा है, मतलब मतलब बड़ी असंख्या संख्या से भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। अल्प बहुत्व तीन प्रकार का है, यव मध्य से अधस्तन अल्प बहुत्व, उपरिम अल्प बहुत्व और उभयत्र अल्प बहुत्व, ऐसे तीन प्रकार से बताया है। उनमें जघन्य योग स्थान के जीव सबसे स्तोक है, उनसे यव मध्य के संतुष्टि से कितने हैं, 16 है, उनसे यव मध्य के जीव असंख्यात गुने हैं। गुणकार क्या है, यव मध्य से अधस्तन सब गुणहानि शलाकाओं की अनन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है, जो कि पल्योपम के असंख्यात वे भाग मात्र है, क्योंकि अपन जगन्य योग स्थान के जीव जो निकाले उसको इतने से गुना करेंगे 16 को, जैसे अधस्तन अनन्य अभ्यस्त राशि कितने 8 से गुना करेंगे तो यव मध्य के जीवों का प्रमाण आता है। इसलिए वो उसका गुणकार हो गया। यव मध्य से अधस्तन और जघन्य उसमें वहाँ कोष्टक निकाला है, वहाँ देखना होता अब सामने 52 पेज यव मध्य से अधस्तन और जघन्य योग स्थान से उपरिम जीव असंख्यात गुने हैं। गुणकार क्या है, कुछ कम 1.5 गुणहानियां गुणकार है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। उसकी संदृष्टि मतलब जघन्य योग स्थान उसमें नहीं लेना और यव मध्य नहीं लेना, बाकी निकाल करके 128 और 16 को निकाल के अधस्तन गुणाने का जितना प्रमाण है उतना निकाला वहाँ पर, यव मध्य से अधस्तन और जगन योग स्थान से उपरिम
छोड़ करके बाकी सब संख्या लेना तो कितनी है, वो 600 होती है संख्या, सब मिला करके वो 616 है। नीचे के तीन गुनाहानी का प्रमाण निकालेंगे तो 112, 96, 80 और 64, इन तीनों का जोड़ करो, फिर 56 इनका जोड़ करो और इनका जोड़ किया तो तीनों का मिला करके कितना होता है, 616 होता है। अब उसमें जगन्योग स्थान के जो नहीं लेना है तो 600 हो जाएगा, और जगन्योग स्थान सहित लेंगे तो 616 हो जाएंगे। उसकी संदृष्टि 75/16 है, गुणकार का प्रमाण। इससे यव मध्य को गुणित करने पर अधस्तन सब जीवों का प्रमाण होता है। 75/16 गुना 128 बराबर 600। उससे यव मध्य के अधस्तन सब जीव विशेष अधिक है, जगन्योग स्थान की भी मिला दे उसमें तो विशेष अधिक हो गए। कितने अधिक है, जगन्य योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, 600 अधिक 16 बराबर 616। उनसे अजगन्य योग स्थान में स्थित जीव विशेष अधिक है, कितने अधिक है, यव मध्य के जीवों की संख्या में से जगन्य योग स्थान के जीवों की संख्या कम कर देने पर जितना प्रमाण शेष रहे उतने अधिक है। इसमें नहीं, अजगन्य कहा ना, वहाँ पर अधस्तन योग स्थान के सभी जीवों को लिया पहले, तो उसमें वो जगन्य भी मिला देंगे, और यहाँ पर अजगन्य योग स्थान के जीवों की संख्या लेना है तो उसमें यव मध्य मिलाएंगे और जगन्य योग स्थान घटाएंगे, क्योंकि अजगन्य में जगन्य नहीं आएगा, इसलिए जगन्य योग स्थान के जीवों को माइनस किया, और यव मध्य के जीव भी उत्कृष्ट है तो वो अजगन्य में आ जाते हैं ना, तो इसलिए 128 मिलाया। तो कितना अधिक है इसका प्रमाण निकालने के लिए, जितना अपन ने जोड़ा है और जितना कम किया है, तो जोड़ा है उसमें से कम किया हुआ माइनस करो, मैंने 128 में से 16 माइनस करो तो कितना आता है, 128 में से 16 कम किया तो 112 आया, तो 616 में 112 मिलाया तो 728 आया प्रमाण। उसकी अपेक्षा यव मध्य से लेकर अधस्तन सब जीव विशेष अधिक है, ने वो 16 कम किए तो वो भी मिला दो तो सभी जीव हो गए। कितनी 600 में 128 जमा कर दो तो भी आंसर आ जाता है क्या 600 में 128 जमा। नहीं नहीं, कैसे बता रहे उसके अनुसार करो ना, अजगन्य योग स्थान के जीव तो उसमें कौन कौन से आएंगे, जगन्य योग स्थान के नहीं आएंगे, यव मध्य से अधस्तन के सभी जीव तो उसमें जगन्य भी आएंगे, तो उतना ही घटा और जमा करना पड़ेगा ना, अपने को थोड़े उसमें केवल ये करना है मन से। 600 इसका प्रश्न नहीं है, जगन्य योग स्थान मतलब यव मध्य से अधस्तन सब जीव कितने हैं, अजगन्य योग स्थान के जीव कितने हैं, और यव मध्य को लेकर अधस्तन सब जीव कितने हैं, वो वैसा निकाला है। अल्पभूत अधस्तन का हो गया, अब ऊपरी तन का अल्पभूत तो बताते हैं। कितने अधिक है, जगन्य योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, ये यव मध्य से लेकर जगन्य योग स्थान तक के सभी जीव लिए उसमें तो 744 होते हैं वे। अब यव मध्य से आगे के अल्पभूतों का कथन करते हैं। यथा उत्कृष्ट योग स्थान में जीव सबसे स्तोक है यानी 5, इनसे यव मध्य के जीव असंख्यात गुने हैं। गुणकार क्या है, यव मध्य से उपरिम सब गुणहानि शलाकाओं की कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है, जो कि पल्ल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। उसकी संदृष्टि 128/5 है। इससे उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों को गुणित करने पर यव मध्य के जीवों का प्रमाण होता है। इससे यव मध्य से आगे के और उत्कृष्ट योग स्थान के पीछे के जीव असंख्यात गुने हैं। ऊपर का भी छोड़ना और यव मध्य भी छोड़ना, बीच के लेना सब। गुणकार क्या है, कुछ कम 1.5 गुण हानिया गुणकार है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। उनकी संदृष्टि यह है 673/128। इससे
य मध्य को गुणित करने पर विवक्षित द्रव्य का प्रमाण होता है, वह 673 है। इनसे य मध्य से आगे के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, 63 अधिक 75 678 हो गए, 5 अधिक करना, उसमें इधर 63 नहीं ना, वहाँ पर 7 इधर चाहिए, वो 673 चाहिए और प्लस 75 हो गए ना, वहाँ पर 5 चाहिए केवल। पिछले जो है वो 673 जो हुए थे उसमें उत्कृष्ट योग स्थान के जो मिलाना है 5, इसलिए वो 7 आगे गए ना, 75 वो 7 उन पीछे के अंक के बीच में चाहिए। अनुत्कृष्ट योग स्थान के जीव विशेष अधिक, 673 अधिक 5 करा बस। अनुत्कृष्ट योग स्थान के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों के प्रमाण से हीन य मध्य के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। य मध्य के जीवों के प्रमाण में से उत्कृष्ट योग स्थान के जीव घटाना और उतना जोड़ना उसमें, तो उतने अधिक होंगे 801 हो गए। इनसे यव मध्य को लेकर आगे के सब स्थानों के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, अर्थात 806। अब यव मध्य से अधस्तन और उपरिम योग स्थानों के अल्प बहुतों को कहते हैं। दोनों तरफ एक करेंगे, कम कौन है ज्यादा कौन है। यथा उत्कृष्ट योग स्थान के जीव सबसे स्तोक है, उनसे जघन्य योग स्थान में जीव असंख्यात गुने हैं। गुणकार क्या है? जघन्य योग स्थान सदृश उपरिम जीवों की उपरिम सब गुण हानि शलाकाओं की कुछ कम अन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है, जो कि पल्ल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। जगन योग स्थान सदृश उपरिम जीवों की, अब जगन योग स्थान है इधर 16 और उपरिम वो ऊपर है 16 है ना, वो समान है, तो उसके ऊपर जितनी गुणहानियां हुई है उसकी जो अन्य अभ्यस्त राशि होगी उतना वो गुना हो जाएगा ना, ऊपर के 16 का भी वही भाग वो होगा ना वो, मतलब इसने क्या कहा, जगन योग स्थान सदृश उपरिम जीव जो होंगे उसके ऊपर जितनी भी गुणहानि शलाका है उसमें उसकी जो अन्य अभ्यस्त राशि होगी उसमें कुछ कम करना, क्योंकि ये उत्कृष्ट योग स्थान का प्रमाण अंतिम निषेक का है ना, उतनी पूरी लेते अन्य अभ्यस्त राशि तो वो छठे गुणहानि के पहले निषेक का होता वो न गुना, इसलिए यहाँ पर कुछ कम करना उसमें जो कि पल्लवम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, उसकी संदृष्टि यह है 16/5। इससे उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों को गुणित करने पर जघन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण होता है। 16/5 को 5 से गुना किया तो 16 है। इनसे यव मध्य के जीव असंख्यात गुने हैं। गुणकार क्या है? जघन्य योग स्थान के सदृश जीवों की नीचे की और यव मध्य के जीवों की ऊपर की सब गुणहानि शलाकाओं की अनन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है, जो कि पल्ल्योपम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है, उसकी संदृष्टि 8 है। इससे ऊपर से 16 से लेकर वहां तक जो गुणहानियां होगी उसकी अनन्य अभ्यस्त राशि करो, या नीचे से जितनी गुणहानियां हो गई उसके अनन्य अभ्यस्त राशि करो, दोनों करते एक ही है। 8 ही हो गए ना संदृष्टि। इससे जगन्य योग स्थान के जीवों को गुणित करने पर यव मध्य के जीव होते हैं, यानी 16 × 8 = 128। इनसे यव मध्य से नीचे के और जगन्य योग से आगे के जीव असंख्यात गुने हैं। गुणकार क्या है? कुछ कम 1.5 गुण हानियां गुणकार है, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग मात्र है। अभी ऊपर बताया था ना 75/16, 128 को इससे गुना करेंगे तो नीचे के सब जीव आएंगे। 75/16 इससे यव मध्य को गुणित करने पर विवक्षित द्रव्य का प्रमाण होता है, मतलब 75/16 गुना
128 बराबर 600। इससे इनसे यव मध्य से नीचे के जीव विशेष अधिक है। जगने योग स्थान की मिला देंगे उसमें तो नीचे के सब जीव होते कितने अधिक है। नीचे के जगन योग स्थान को छोड़ करके 600 है, उसमें जगन योग स्थान के मिला देना तो 616 होता है। तो नीचे की सब गुणहानि का जोड़ करो 616 है, ऊपर की सब गुणहानि का जोड़ करो तो 806 है। जगन्य योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, 600 अधिक 16 बराबर 616। इनसे यव मध्य से आगे के और उत्कृष्ट योग से नीचे के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? जगन्य और उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित अंत की दो गुणहानियों के द्रव्य का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 616 अधिक 16 और 5 21, उसको जो अंत की दो गुणहानियां हैं उनका जो जोड़ होगा ऊपर के 26 और 52 है ना, उसका अंतिम गुणहानि का धन 26 है, उसके नीचे की गुणहानि का धन 52 है, तो 52 और 26 मिलाएंगे तो कितना हो गया 78 हो गया। और 78 में ये दोनों के प्रमाण घटाना, उत्कृष्ट और जो जगन योग तो कितना हो गया 673 हो गया। इनसे यव मध्य से आगे के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। 5 में लाना उसे 673 अधिक 5 बराबर 678। इनसे अनुत्कृष्ट जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों से रहित यव मध्य के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है। उत्कृष्ट योग स्थान के जीव कम करना और यव मध्य के जीव मिलाना, मतलब 128 में से 5 कम करके जितना आया 123 उतने अधिक होंगे। 801 इनसे यव मध्य से लेकर आगे के सब योग स्थानों के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, मतलब 806। सब योग स्थान के जीव विशेष अधिक है। कितने अधिक है? यव मध्य के नीचे के जीवों का जितना प्रमाण से ऐसा चाहिए, यव मध्य से नीचे के जीवों का जितना प्रमाण है उतने अधिक है, 616 सब 1422 है। इसलिए जीव यव मध्य से नीचे के स्थान से आगे का स्थान विशेष अधिक है, यह सिद्ध हुआ। अतएव यहाँ चूंकि अंतर्मुहूर्त काल रहना संभव नहीं है, इसीलिए काल यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त काल तक रहा ऐसा ग्रहण करना चाहिए। मतलब मूल प्रश्न वहां से चालू हुआ था ना, जीव यव मध्य लेना या योग यव मध्य लेना काल की अपेक्षा से, तो जीव यव मध्य नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसके यव मध्य के ऊपर अंतर्मुहूर्त रहना शक्य नहीं है। क्यों शक्य नहीं है? क्योंकि वह योग स्थान अधिक नहीं है, असंख्यात गुने नहीं है, केवल नीचे से ऊपर अधिक ही है, इसलिए वहाँ पर अंतर्मुहूर्त रहना संभव नहीं है। विशेषार्थ योग यव मध्य ले योग, हाँ योग यव मध्य मतलब वो काल की अपेक्षा से जो योग की हवा का रचना है वो लेना। 16 और 5 जगन्य और उत्कृष्ट, यहाँ यव मध्य से जीव यव मध्य का ग्रहण होता है या काल यव मध्य का, इसी प्रश्न का निर्णय कर यह बतलाया गया है कि प्रकृत में यव मध्य पद से काल यव मध्य का ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जीव यव मध्य के उपरिम भाग में अंतर्मुहूर्त काल तक रहना संभव नहीं है, क्योंकि उस वहां पर चार प्रकार के वृद्धियां नहीं होती है, क्योंकि इतने योग स्थान नहीं है कि जिसमें असंख्यात गुण वृद्धि हो या संख्यात गुणहानि हो। अभी उसके लिए और आगे और समझ में आएगा। सूत्र चरे में जीव गुणहानि ठानंतरे आवली आए असंख्य यदि भागम अच्छी दो। अंतिम जीव गुणहानि स्थान में आवली के असंख्यात्वे भाग काल तक रहा, अंतर्मूर्त काल तक जीव योग यव मध्य के ऊपर रहा, और अभी लास्ट अवली के असंख्यात्वे भाग काल तक कहाँ रखना? जीव गुणहानि के अंतिम शलाक अंतिम गुणहानि में रखना उसको। ये जो ऊपर के अंतिम गुणहानि है ना, वह सब उत्कृष्ट योग स्थान है,
मतलब ज्यादा शक्तियुक्त योग स्थान है तो वहां पर अवली के असंख्यातवे भाग काल तक रखना, क्योंकि वहां पर उतना ही रहना संभव है, अंतर्मूर्त वहां पर रह नहीं सकता है। शंका, अंतिम जीव गुण वृद्धि में अंतर्मुहूर्त में जीव दुगुण वृद्धि में अंतर्मुहूर्त काल तक क्यों नहीं रहा? प्रश्न किया। समाधान, नहीं, क्योंकि वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि नहीं पाई जाती। यदि कहा जाए कि असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि के बिना भी अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है सो भी बात नहीं है, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि का तथा इन्हीं तीन हानियों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, ऐसा वचन है। पर अंतिम जीव दुगुण वृद्धि में असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ये दो ही होती है, शेष वृद्धि हानियां वहां नहीं होती, इसलिए वहां अवली के असंख्यातवे भाग काल तक ही रहना रहता है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि हो तो वहां पर उसका उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, लेकिन अन्य तीन वृद्धियां या तीन हानियां हो तो वहां अंतर्मुहूर्त उसका काल नहीं है। उसका उत्कृष्ट काल कितना बताया? अवली का असंख्यातवा भाग, मतलब संख्यात गुण हानि हुई हुई, संख्यात गुण वृद्धि हुई या असंख्यात भाग वृद्धि हुई तो कितने काल तक होगी? अवली के असंख्यातवे भाग काल प्रमाण काल तक ही होगी, अंतर्मूर्त तक नहीं होती है। और वहाँ पर असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि नहीं होती है, कहाँ पर? अंतिम जीव गुण हानि में, इसलिए वहाँ पर अंतर्मूर्त रहना संभव नहीं है। शंका, वहाँ असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ही होती है, अन्य वृद्धि हानियां नहीं होती, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? अंतिम जीव गुण हानि स्थान में जो है वहां पर दो ही वृद्धि है, मतलब एक ही वृद्धि और एक ही हानि है, असंख्यात भाग वृद्धि है और असंख्यात भाग हानि है, अन्य वृद्धि और अन्य हानि होती ही नहीं है वहां पर। और तीन हानि और तीन वृद्धि का काल तो अवली का असंख्यातवा भाग है, और असंख्यात गुण वृद्धि और असंख्यात गुण हानि का काल अंतर्मुहूर्त है, तो ये दो ही मतलब एक वृद्धि और एक ही हानि होती है, इसलिए यहाँ पर उतना नहीं रह सकते। लेकिन वहां पर एक ही होते, ये निर्णय कैसे होगा? अंतिम जीव गुण हानि स्थान में एक असंख्यात भाग वृद्धि ही है और असंख्यात भाग हानि ही है, इसका निर्णय किस मतलब उसका कैसे किस प्रमाण से जानेंगे? उसको उसको सिद्ध करते अब। हाँ, मतलब वहाँ उस गुण हानि का जो पहला योग स्थान होगा उससे आगे आगे जो वृद्धि होगी अंतिम स्थान तक तो केवल एक असंख्यात भाग वृद्धि ही होगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो एक असंख्यात भाग हानि ही होगी, उसमें संख्यात भाग वृद्धि नहीं, संख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है। इसको अभी देखो, अब अंक संदृष्टि से भी सब किया है गणित हमने, देखो। यह बात युक्ति से जानी जाती है, यथा द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान से लेकर एक एक प्रक्षेप अधिक के क्रम से योग स्थान, एक प्रक्षेप कम दुगुने योग स्थान के प्राप्त होने तक बढ़ते हुए चले जाते हैं, पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ने पर अधस्तन दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुना स्थान जाकर यहाँ की प्रथम दुगुण वृद्धि हो जाती है, इस प्रकार दुगुने दुगुने स्थान जाकर अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान के प्राप्त होने तक सब दुगुण वृद्धियां उत्पन्न होती हैं। अब इसका अर्थ पहले समझो, इतना ही तो क्रम क्रम से समझते जाएंगे तो तो यहाँ द्विन्द्रिय पर्याप्त जगन्य योग स्थान, उसके जितने अविभाग प्रतिच्छेद है तो उसको कितने अविभाग प्रतिच्छेद माने? जैसे अब यहाँ पर समझो कि जगन स्पर्धक के नाप से अपन ने नापा है, और जो वृद्धि का प्रमाण है वो भी जगन स्पर्धक के हिसाब से चालू है ना, जगन स्पर्धक के हिसाब से ही उसको बढ़ाते हैं,
ला जगन्य योगस्थान का जो जगन्य स्पर्धक है उसके नाप से अपन सभी स्पर्धकों को करते हैं, तो यहाँ जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण जगन्य स्पर्धक होते हैं, उसका प्रमाण अपने समझो कि आज 10 माना। इसमें कितने जगन्य स्पर्धक हैं? 10 है, 10 जगन्य स्पर्धक इसमें है। जगन्य स्पर्धक के नाप से इसको गिनेंगे तो 10 हो जाएंगे। अब दूसरा योग स्थान है ये पहला, और इसका दूसरा योग स्थान है उसमें कितने बढ़ गए? सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण, उसको प्रक्षेप का प्रमाण कहा है। इतने जगन्य स्पर्धक बढ़ते हैं एक योग स्थान से दूसरे योग स्थान में, तो उसका प्रमाण अपने सूच्यंगुल के असंख्यातवे भाग का 2 माना, तो 2 जगन्य स्पर्धक बढ़े, तो दूसरे योग स्थान में कितने हो गए? 12 हो गए। तीसरे योग स्थान में और 2 बढ़े तो कितने हो गए? 14। चौथे में और 2 बढ़े तो 15 जगन्य स्पर्ध 16 जगन्य स्पर्धक हुए। फिर पांचवे योग स्थान में 18 हुए और छठे योग स्थान में 20 हो गए। तो इससे क्या हो गए? ये दुगुने हो गए। तो यहाँ दुगुना जाने के लिए होने के लिए कितने योग स्थान जाना पड़ा? यहाँ पर 5 योग स्थान, मतलब 5 गए ना, 1 2 3 4 5, तो 5 योग स्थान जाने पर यहाँ पर दुगुना हुआ। अब ये दुगुन वृद्धि हुई जगन योग स्थान की, यहाँ पर क्या हुई? दुगुन वृद्धि हुई। फिर यहाँ दुगुन वृद्धि के बाद वापिस 2-2 ही हिस्से बढ़ता जाएगा, जगन स्पर्धक 2 ही बढ़ेंगे, तो 22-24 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। फिर ये 20 के 40 हो जाएंगे, तो और दूसरी बार दुगुन वृद्धि हुई। लेकिन उस दूसरी बार दुगुन वृद्धि होने के लिए कितने योग स्थान जाने पड़ेंगे? तो पहले दुगुन वृद्धि होने के लिए जितने स्थान गए उससे दुगुने स्थान जाने पड़ेंगे, तब वहाँ पर दुगुन वृद्धि होगी। तो यहाँ 5 स्थान गए, तो यहाँ 10 स्थान जाने के बाद फिर ये दुगुन वृद्धि होगी। फिर 40, तो 40 के 80 स्पर्धक होने के लिए दुगुन वृद्धि होने के लिए कितने स्थान जाने पड़ेंगे? मतलब 20 स्थान जाने पड़ेंगे। यहाँ 5, 10, 20, 40 ऐसे दुगुन दुगुन वृद्धि होने के लिए आगे आगे जो है वो दुगुने दुगुने स्थान जाने पड़ते हैं। तो अब अंतिम बार जो दुगुन वृद्धि हुई, अंतिम गुणा आने जो होगी ना उसके योग, अंतिम मतलब अंतिम बार जो दुगुन वृद्धि होगी उसके बाद मतलब उसमें कितनी संख्या होगी? तो यहाँ पर यहाँ तक ही बताया अभी, यहाँ ये कितने हो गए? ये 5, 10 और यहाँ 20 हो गए। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ो तो भी इसके जो बीच के योग स्थान है वो अधिक ही है। नीचे के सभी को जोड़ो, अब जैसे आगे का 40 आएगा तो 40 जो है वो प्रमाण, और यहाँ नीचे के सब प्रमाण 20, 10 और 5 मिलाएंगे तो 35 हो गया। मतलब 40 से कम ही है, मतलब वहाँ एक दुगुन वृद्धि के बीच के जो स्थान है वो नीचे सब दुगुन वृद्धि के आने के जो स्थान, दुगुन वृद्धि के जो स्थान है उससे अधिक ही होते हैं। तो यहाँ जो अंतिम बार जो दुगुन वृद्धि के जो स्थान होंगे वे नीचे के सभी योग स्थानों से अधिक होंगे। यहाँ तक समझो अभी इतना। हाँ, ये अभी जैसे ये 40 से लेकर 80 तक अपन ने देखा, तो उसके बीच में योग स्थान कितने हुए? 20 हुए। तो ये योग स्थान नीचे की जितनी भी दुगुन वृद्धि हुई उन सबका जोड़ करेंगे तो भी एक अधिक, मतलब उससे अधिक ही है। तो एक मतलब अपन जगन योग स्थान को दुगुना 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 करते जाएंगे, फिर वहाँ जहाँ सऊदी पंचेंद्र पर्याप्त का जो अंतिम दुगुन वृद्धि होगी, तो वहाँ जो अंतिम दुगुन वृद्धि के बीच के योग स्थान है वे सब नीचे के योग स्थानों से अधिक ही है। जैसे अपन वो राजू का भी करते हैं ना, बीच का जम्बूद्वीप, उससे दुगुना अगला दुगुना अगला, फिर जो अगला है उसके इसका जो विस्तार है पहले के सब द्वीप समुद्रों से अधिक ही होता है। तो जम्बूद्वीप और लवण समुद्र दोनों का जोड़ो उससे आगे धातकी खंड का अधिक ही होगा, एक अधिक होता है ऐसा। तो उसी प्रकार यहाँ पर दुगुन वृद्धि में, एक दुगुन वृद्धि में जो योग स्थानों का प्रमाण आएगा वो नीचे की सभी दुगुन वृद्धियों के योग स्थानों से अधिक होगा। 15
एकदा बघायला पाहिजे म्हणजे मग सगळे ते डोके कासे पडणे एक बार वापस पडो उसको पडणार तो बर निन्यानवे पेज आहे समाधान वापर नीचे का पॅराग्राफ समाधान से पढते वापस अब दूसरी बार पढ़ते समय आपको भाव भाषण होगा इसलिए दूसरी बार पढ़ना है उसको यथा द्विइंद्रिय पर्याप्त के जगन्य परिणाम योग स्थान से लेकर एक एक प्रक्षेप अधिक के क्रम से योग स्थान एक प्रक्षेप कम दुगुने योग स्थान के प्राप्त होने तक बढ़ते हुए चले जाते हैं पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ने पर अधस्तन दुगुण वृद्धि स्थान से दुगुना स्थान जाकर यहाँ की प्रथम दुगुण वृद्धि हो जाती है इस प्रकार दुगुने दुगुने स्थान जाकर दुगुने दुगुने स्थान जाकर मतलब नीचे जितने स्थान गए उससे दुगुने स्थान जाकर फिर दुगुण वृद्धि होगी अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान के प्राप्त होने तक सब दुगुण वृद्धियां उत्पन्न होती है अब अंतिम गुण वृद्धि के नीचे की सब गुण हानि शलाकाओं का विरलन कर और उसे द्विगुणित कर जो अन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है उससे द्विइंद्रिय पर्याप्त के जगन्य परिणाम योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागहार को गुणित करने पर अंतिम योग संबंधी दुगुण हानि के प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है ये क्या कर किया अब अंतिम गुण वृद्धि के नीचे की सब गुण हानि शलाकाओं का विरलन कर उसे द्विगुणित कर कितनी बार दुगुणित हुआ है समझो पांच बार हुआ है तो अंतिम गुण वृद्धि जो है पांच उसको छोड़ दो नीचे की सब गुण हानि शलाका कितनी हुई चार हुई तो चार का विरलन किया और उसे दुगुणित किया तो कितना हुआ सोलह हुआ अनन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है उससे द्विइंद्रिय पर्याप्त के जगन्य परिणाम योग संबंधी प्रक्षेप भागार को मतलब उसके जो अविभाव प्रतिच्छेदों का प्रमाण है ये सब क्या निकालना है अभी जीवों का प्रमाण वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर क्या निकाल रहे है वो समझो ये दुगुण वृद्धि किसकी कर रहे हैं अविभाव प्रतिच्छेदों की जो जगन्य योग स्थान के अविभाव प्रतिच्छेद है उससे दुगुने अविभाव प्रतिच्छेद हुए उससे दुगुने अविभाव प्रतिच्छेद हुए उसके वो योग स्थान की जो शक्ति है उसकी अपेक्षा से दुगुण वृद्धियां निकाल रहे हैं बराबर तो जो जितनी बार दुगुने वृद्धियां हुई है तो अंतिम दुगुण वृद्धि के नीचे जितनी बार दुगुण वृद्धि हुई होगी उतनी वो गुणहानि शलाका कहेंगे उसको तो उस गुणहानि शलाकाओं का क्या करना विरलन करना मतलब पांच दुगुण वृद्धियां हुई है तो नीचे चार गुणहानि शलाका हुई तो उसका दो गुना करेंगे तो कितना हो गया सोलह हो गया फिर उससे क्या किया द्विंद्रिय पर्याप्त के जगन्य परिणाम योग स्थान संबंधी जो प्रक्षेप भागार हो उसको गुणित करने पर अंतिम योग संबंधी गुण दुगुण हानि के प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागार होता है उसका विरलन कर अंतिम दुगुण वृद्धि के प्रथम योग स्थान को समखंड करके देने पर विरलन रूप से प्रति एक एक प्रक्षेप प्राप्त होता है जगन योग स्थान का प्रक्षेप भागार जैसे यहाँ पर 10 में 2 का भाग दिया तो 5 प्रक्षेप भागार हो गया क्योंकि वहाँ कुल 10 है ना तो 2 का एक एक 6 है मतलब 2-2 से बढ़ते गए ना तो उसका भाग दिया तो कितने हो गए वहाँ पर 5 प्रक्षेप भागार हो गया जगन योग स्थान में अपने 10 माने है ना जगन स्पर्धक और प्रक्षेप का प्रमाण कितना है 2 है तो उसका भाग दिया तो कितने हो गए उसमें 5 प्रक्षेप हो गए तो 5 प्रक्षेप भागार हो गया तो जगन योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागार 5 और अनन्य अभ्यस्त राशि कितनी आई 16 उसको गुना किया तो अंतिम गुण हानि के प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागार कितना हो गया 80 तो उसमें कितने ये होंगे जगन स्पर्धक उसको दुगुना करो प्रक्षेप भागार से गुना करो प्रक्षेप भागार 80 हो गया तो उसमें ये कितने होंगे जगन स्पर्धक 160 हो जाएंगे ना बराबर 80 × 2 हाँ 80 × 2 हो जाएंगे 2-2 से शक्ति बढ़ती गई ना 2 हाँ 2-2 से प्रक्षेप भागहार निकाला तो उसमें फिर प्रक्षेप भागहार को फिर उस इससे भाग गुना करो
प्रक्षेप से, तो उस योगस्थान के जगन स्पर्धक निकलेंगे ना, 80 प्रक्षेप भाग आर हुआ दोर उसको दो का गुना किया करूंगे एक मिनट हाँ। थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा हाँ? सुन आपको आदत पड़ी है इसलिए उसका विरलन गणित कर। का विषय भी ऐसा है ना, वो मौखिक नहीं आता, जितना सामने हो तो समझ में आता है वास्तव। उसका विरलन कर अंतिम दुगुण रुद्धि के प्रथम योग स्थान को समखंड करके देने पर विरलन रूप के प्रति एक एक प्रक्षेप प्राप्त होता है, उनमें से एक प्रक्षेप उसके ऊपर बढ़ाने पर असंख्यात भाग रुद्धि होती है, फिर द्वितीय प्रक्षेप के बढ़ाने पर भी असंख्यात भाग रुद्धि ही होकर तब तक जाती है जब तक इसमें प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर उसमें से एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट न हो जावे। पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ाने पर संख्यात भाग रुद्धि प्रारंभ होती है, तत्पश्चात उसके ऊपर अन्य एक प्रक्षेप के बढ़ाने पर भी संख्यात भाग रुद्धि ही होती है। इस प्रकार 2, 3, 4 आदि एक कम प्रक्षेप भागहार प्रमाण प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक संख्यात भाग रुद्धि ही होती है, पुनः अंतिम प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर दुगुण रुद्धि होती है। इस प्रकार अंतिम गुण हानि में 3 ही वृद्धियां होती है। इसको एक समझेंगे अब तक अनंत चक्ला समझ बोर 3 बज गए क्या? अभी इतना समझ करके फिर छुट्टी होगी चले उसका अड़चन। जीव प्रक्षेप भागहार जो नहीं जीव नहीं योग प्रक्षेप भागहार जो है वो कितना माना था? अभी 5 माना था ना, तो 5 का अपन विरलन करते हैं और उस पर जगन योग स्थान के जगन स्पर्धक को विरलन करके देंगे तो कितने हो गए? ये 5 प्रक्षेप भागार हो गए ना, ने 5 प्रक्षेप प्राप्त हुए। तो इसके ऊपर मतलब जैसे 10 है यहाँ पर जगन स्पर्धक, उसमें एक एक प्रक्षेप बढ़ाते जाओ, एक एक प्रक्षेप बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 12 फिर 14 वगैरह आए, तो ये सब प्रक्षेप प्रविष्ट होंगे तो इसकी दुगुण वृद्धि होगी, 10 के 20 हो जाएंगे यहाँ पर। इसी प्रकार आगे आगे भी करते जाएंगे ना, ये 20 यहाँ पर 20 है जगन स्पर्धक, तो इसका प्रक्षेप भागार कितना हुआ? 10 हुआ, तो 10 का विरलन करके उसके ऊपर 2-2 रखेंगे तो एक एक प्रक्षेप का प्रमाण आता है और उतना उतना सब प्रक्षेप प्रविष्ट होने पर यह दोगुना होता है। एक चय का प्रमाण निकालने के लिए उसका जो जगन स्पर्धकों की जितनी संख्या है उसका विरलन करके उसके ऊपर उस योग स्थान के स्पर्धकों को रखो तो प्रक्षेप का मतलब चय का प्रमाण आता है। ऐसा प्रक्षेप का प्रमाण निकाल। अब अंतिम निकालना, अभी अपन यहाँ कितने समझे कि 5 है, तो 10 का 20 हो गए, 20 का 40 और 80 और 160, ये 5 हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5 5 दुगुण वृद्धि है यहाँ पर, तो ये अंतिम दुगुण वृद्धि है। अब यहाँ अंतिम दुगुण वृद्धि में ये बताना है उनको, यहाँ जो योगस्थान प्राप्त होंगे तो कितने प्राप्त होंगे वह? और 3 ही वृद्धियाँ होती है सिद्ध करने वहाँ पर, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि, ये 3 ही वृद्धियाँ होती है ये बताना है अंतिम दुगुण वृद्धि में। तो उसको क्या किया यहाँ पर, इसके जो प्रक्षेप भागार निकाला पहले, इस अंतिम दुगुण वृद्धि का प्रक्षेप भागहार कितना है? तो जगन योग स्थान का जो प्रक्षेप भागहार है कितना है? ये 5 है। इसको जो नीचे की गुणहानियां जितनी दुगुण वृद्धियां है उसका परस्पर गुणा करो, उसकी जो अनन्य भ्रष्ट राशि होगी वो कितनी हुई? 16 हुई। क्योंकि इसके नीचे 4 बार हुआ है ना, 4 बार 4 गुणहानियां हैं, तो हाँ तो 4 का 4 बार 2 का परस्पर गुना करेंगे तो 16 आएगा। कुल स्पर्धक 10 है लेकिन उसका प्रक्षेप भागहार मतलब प्रक्षेप निकालने के लिए जिसका अपन भाग देंगे तो वो प्रक्षेप भागहार कहलाएगा।
दस को पांच से भाग दिया तो दो आया ना वहां पर, तो प्रक्षेप भागार हो गया। मतलब चय का प्रमाण निकालने के लिए जो भागार है उसको प्रक्षेप भागार कहेंगे। तो इसका प्रक्षेप भागार कितना है, तो जितने नीचे गुणहानियां है उतने प्रमाण अंक दो दो का अंक रख करके अनन्याभिस्त राशि निकालो और उसको जगन योग स्थान के प्रक्षेप भागार से गुणा करो। तो 16 × 5 तो कितना हुआ 80। यहाँ पर क्या है, प्रक्षेप भागार है, ने 80 का विरलन करो एक एक करके, ऐसा 80 का विरलन करना। और यहाँ जो अंतिम दुगुण वृद्धि है उसको समान खंड करके देना, तो एक एक प्रक्षेप का प्रमाण आता है। तो कितना है यहाँ पर 2, 2, 2 इस प्रकार 80 बार आएगा। अब इसमें यहाँ पर ऊपर एक प्रक्षेप को दो तो कितना हुआ 162। तो ये जो बढ़ गया वो कौन सी वृद्धि हुई, असंख्यात भाग वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ असंख्यात का भाग देकर के जो लब्ध आया उसको जोड़ा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि। इस प्रकार दूसरे प्रक्षेप को भी दो तो भी क्या होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी, 164, 166, ये सब असंख्यात भाग वृद्धियां ही होगी। कि कब तक होगी असंख्यात भाग वृद्धियां, तो हाँ नहीं, एक कम उत्कृष्ट संख्यात का भाग दो उसको, उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण 4 माना समझो उसमें। तो यहाँ जो इसका प्रक्षेप भाग आ रहा है कितना है, 80 है, इसमें उत्कृष्ट संख्यात कितना है, 4 है, 4 माना हुआ है, तो यहाँ भाग दिया तो कितना आया 20। तो इसमें से जब तक 20 प्रक्षेप यहाँ प्रविष्ट नहीं होंगे, मतलब 19 प्रक्षेप प्रविष्ट होंगे तब तक वो असंख्यात भाग वृद्धि कहलाएगी। और 20 प्रक्षेप वहाँ पर प्रविष्ट हो गए, मतलब 20वां प्रक्षेप प्रविष्ट हो गया तो वह संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हुई। कैसे, तो यहाँ जो ये क्या बोलते हैं, ये दुगुण वृद्धि का जो प्रमाण है जगन स्पर्धकों का, इसको उत्कृष्ट संख्या से भाग दे करके इसमें जोड़ेंगे तो उसको संख्यात भाग वृद्धि कहेंगे ना। सबसे उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया तो वहां से संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होता है। और बड़ी संख्यात भाग वृद्धि कौन सी होगी, 2 का भाग देंगे तब वो संख्यात भाग वृद्धि बड़ी होगी। इसलिए यहाँ पर 160 में उत्कृष्ट संख्या 4 का भाग दिया तो कितना लब्ध आया, 40 आया। तो यहाँ 20 प्रक्षेप अपन बढ़ाएंगे तो 40 बढ़ गए ना, एक एक प्रक्षेप में 2-2 है तो 40 बढ़ाना है, तो वहाँ 20 प्रक्षेप बढ़ाएंगे तो 40 स्पर्धक बढ़ गए वहाँ पर। तो यहाँ पर कितने हुए, 198 हुए तब तक वो असंख्यात भाग वृद्धि हुई। तो ये 98 बढ़ाने के लिए कितने प्रक्षेप बढ़ाए हमने, 38 बढ़ाए ना यहाँ पर, तो 19 प्रक्षेप बढ़ाए, 19 प्रक्षेप बढ़ाए, मतलब प्रक्षेप भाग हर को उत्कृष्ट संख्यात से भाग दो तो जो लब्ध आएगा उसमें एक कम करके उतने प्रक्षेप बढ़ाने तक असंख्यात भाग वृद्धि कही जाएगी। और उसमें वो पूरे उत्कृष्ट संख्यात का भाग दे करके जो लब्ध आया है उतने प्रक्षेप बढ़ाएंगे तो वहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ हुआ यहाँ पर अंतिम दुगुण वृद्धि में। तो मतलब इससे समझना, ये 160 से जितने बड़े हैं उसको असंख्यात भाग वृद्धि, इस जगन योग स्थान से नहीं समझना, इस योग स्थान का जो इस गुणहानि का जो पहला योग स्थान है उसके जो अविभाव प्रतिच्छेद है उसमें कितने बड़े तो इसके असंख्यात में भाग बढ़े, कहाँ तक, यहाँ तक, मतलब एक कम जो उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया था इस प्रक्षेप भागार को उसमें एक कम करो वहाँ तक असंख्यात भाग वृद्धि हुई। फिर उसके आगे विश्वास स्पर्धक बढ़ गया, मतलब यहाँ कितने हो गए, 200 हो गए, तो यहाँ से संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ हुआ। फिर ये कितने है प्रक्षेप, अभी 80 है, तब तक अब सभी इसमें जब तक नहीं मिलेंगे तब तक सब संख्यात भाग वृद्धि ही होगी। आगे अब सब संख्यात भाग वृद्धि कही जाएगी ना, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धियाँ खत्म हो गई, अब संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ हुआ
उत्कृष्ट संख्यात का भाग दे करके जो लब्ध आया 40 आया उतना बढ़ गया, फिर उत्कृष्ट संख्यात से और कम संख्या से भाग दो उतना बढ़ाओ तो भी उस संख्यात भाग वृद्धि। तो कम कम संख्यात से भाग देते जाएंगे तो वो संख्यात भाग वृद्धि का प्रमाण आएगा, क्योंकि लब्ध निकालने के लिए मतलब बड़ा बड़ा लब्ध निकालने के लिए उत्कृष्ट मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ कितने प्रक्षेप है भागहार 80 है, तो जब 80 भागहार प्रक्षेप प्रविष्ट हो जाएंगे तो 160 से कितना हो जाएगा दुगुना, मतलब 160 मिल जाएगा ना 80 सब प्रक्षेप मिलेंगे तो 160 प्लस 160 कितना होगा 320। तो ये कौन सी वृद्धि हुई, संख्यात गुण वृद्धि हुई। तो यहाँ खत्म ही हो गए, ये अंतिम थे ना दुगुण वृद्धि, तो यहाँ अंतिम योगस्थान यहाँ खत्म हो गया, उत्कृष्ट योगस्थान आ गया यहाँ पर। तो इस अंतिम दुगुण वृद्धि में कितने भाग ये वृद्धियाँ हुई, तीन ही वृद्धियाँ हुई, असंख्यात भाग वृद्धि हुई, संख्यात भाग वृद्धि हुई और ये लास्ट की एक संख्यात गुण वृद्धि हुई। तो तीन ही वृद्धियाँ हुई, इससे ज़्यादा वृद्धियाँ नहीं हुई, असंख्यात गुण वृद्धि नहीं हुई। एक एक गुणहानि लेंगे तो वैसा ही होगा, लेकिन अब जगन योग स्थान से अपन ऊपर ऊपर देखते जाएंगे तो जहाँ पर असंख्यात गुणहानियाँ हो गई तो इसके असंख्यात गुण वृद्धि हो गई ना जगन योग स्थान की। हाँ बराबर है, तो एक एक आप यहाँ देखेंगे तो तीन ही बनेगी, लेकिन बहुत सारी गुणहानियों को लेंगे वहाँ तो वहाँ असंख्यात गुण वृद्धि भी बन जाएगी, जब उत्कृष्ट इससे दुगुना तिगुना चौगुना पाँच गुना ऐसा गुना हो गया, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण गुणहानियाँ हैं तो उतनी बार दुगुना दुगुना हो जाएगा। तो जहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात के ऊपर जाएंगे तो असंख्यात गुण वृद्धि वहाँ प्रारंभ होगी, लेकिन एक अंतिम दुगुण वृद्धि में देखेंगे तो वहाँ नहीं पाई जाएगी, तीन ही वृद्धियाँ पाई जाएगी, ये बताना है। अब इस अंतिम दुगुण वृद्धि है ना, इसमें भी जो जीव गुणहानि की गुणहानि है वो तो इसके एक खंड में है केवल, तो उसमें तो एक ही वृद्धि पाई जाती है, ये आगे सिद्ध करेंगे। अभी यहाँ क्या सिद्ध किया उन्होंने, केवल कि एक अंतिम दुगुण वृद्धि योग की जो है उसमें तीन ही वृद्धियाँ होती हैं, चार वृद्धियाँ नहीं होती हैं, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। किसी भी एक गुणहानि में लेंगे तो वैसा ही होगा सब जगह एक गुणहानि की अपेक्षा से, लेकिन समझो कि यहाँ पर नीचे जो जगन योग स्थान है उसकी अपेक्षा से ऊपर ऊपर देखेंगे तो ऐसे असंख्यात गुणहानियाँ ऊपर जाएंगे, जगने परिता संख्यात के जितने अर्ध छेद हैं उतने ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर असंख्यात गुण वृद्धि चालू हो जाएगी ना, जगने परिता संख्यात के जितने अर्ध छेद हैं उतनी बार अपन इसका दुगुना दुगुना करेंगे तो वहाँ से ऊपर असंख्यात गुण वृद्धि भी प्रारंभ होगी जगन योग स्थान की अपेक्षा से। ऐसा यहाँ पर ये योगस्थान के अविभाव प्रतिच्छेदों की वृद्धियों का बताया है। अभी मुश्किल कुछ नहीं है, चल अभी मुश्किल लग रहा है क्या आपको? क्या है पर था पैराग्राफ वाचे से नहीं, इससे तो अपने को भाव भाषण बहुत अच्छा हो रहा है ना, खाली अपन बोलते थे कि अंतिम दुगुण इसमें असंख्यात गुण वृद्धि नहीं होती है, असंख्यात गुणहानि नहीं होती है, लेकिन क्यों नहीं होती है इसका भाव भाषण कराने के लिए तो आचार्य इतना स्पष्ट बताते हैं, तो जितना स्पष्ट होता जाता है उतना नहीं होता। खाली बोलना और वो क्यों उसके कारण से देखना तो युक्ति समझ में आनी चाहिए, युक्ति युक्ति से बता रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए पहले तो बताए ना यह बात युक्ति से जानी जाती है। हाँ। इसमें असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ही होती है, ये किस प्रमाण से जानते हैं ऐसा प्रश्न किया था, उन्होंने उत्तर क्या दिया आचार्य ने, यह बात युक्ति से जानी जाती है और वे युक्ति बता रहे हैं। अब अंतिम गुण वृद्धि के नीचे सब गुण हानि शलाकाओं का विरलन कर, सौ पेज पर पहली लाइन से पढ़ रहे हैं। अब अंतिम अब ये जो बात बताई ना उसी को एक बार रिपीट। अब अंतिम गुण वृद्धि के नीचे की सब गुणहानि शलाकाओं का विरलन कर और उसे द्विगुणित कर जो अनन्य अभ्यस्त राशि उत्पन्न होती है
उससे द्विन्द्रिय पर्याप्त के जघन्य परिणाम योग स्थान संबंधी प्रक्षेप भागहार को गुणित करने पर अंतिम योग संबंधी दुगुण हानि के प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है। अपने निकाला था ना 16 अनुन्य राशि और जगन्य योग स्थान का प्रक्षेप भागहार 5, तो 16 गुणित 5 किया तो 80 हो गया। उसका विरलन कर अंतिम दुगुण रुद्धि के नहीं उसी से देख रहे ना ये सब योग स्थान त्रस पर्याप्त राशि को ही वहां पर उसकी के अपेक्षा से चल रहे हैं ना सब, और त्रस जीव को ही रखना है वहां जीव यवा का रचना जो हुई है वो सब द्विन्द्रिय पर्याप्त के परिणाम योग स्थान से सौद्धि पंचेन्द्रिय पर्याप्त के परिणाम योग स्थान तक की हुई है। उसका विरलन कर अंतिम दुगुण रुद्धि के प्रथम योग स्थान को समखंड करके देने पर विरलन रूप के प्रति एक एक प्रक्षेप प्राप्त होता है। 80 प्रक्षेप भागहार आया था उसका विरलन किया और अंतिम दुगुण वृद्धि का जो प्रथम योग स्थान है उसके 160 जगन स्पर्धक माने अपन ने, तो उसको समखंड करके दिया तो सबके ऊपर एक एक प्रक्षेप का प्रमाण माने एक एक चय का प्रमाण आया। उनमें से एक प्रक्षेप उसके ऊपर बढ़ाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है, फिर द्वितीय प्रक्षेप के बढ़ाने पर भी असंख्यात भाग वृद्धि ही होकर तब तक जाती है जब तक इसमें प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित करने पर उसमें से एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट न हो जावे। ये समझ में है ना? हाँ, पुनः उसके प्रक्षेप भागहार को क्या किया द्वितीय प्रक्षेप असंख्यात भाग वृद्धि कब तक होगी जब तक प्रक्षेप भागहार को मतलब 80 को उत्कृष्ट संख्यात मतलब 4 से खंडित किया, तो जो एक खंड आया तो कितना आया 20 आया, तो उसमें एक कम करो मतलब 19 हो गया। 19 प्रक्षेप भागहार जब तक प्रविष्ट नहीं होंगे 19 प्रक्षेप तब तक वो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। पुनः उसके ऊपर एक प्रक्षेप के बढ़ाने पर संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होती है। उसका वो करके दिखा ना कि उसके जो अविभाव प्रतिच्छेद है जगन स्पर्धक है उसको उत्कृष्ट संख्यात से भाग दो, 160 को 4 से भाग दिया तो कितना है 40, तो 40 बढ़ गए वहां पर 200 हो गए तो इसलिए वहां पर संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हुई। तत्पश्चात उसके ऊपर अन्य एक प्रक्षेप के बढ़ाने पर भी संख्यात भाग वृद्धि ही होती है। इस प्रकार 2, 3, 4 आदि एक कम प्रक्षेप भागहार प्रमाण प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक संख्यात भाग वृद्धि ही होती है। पुनः अंतिम प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर दुगुण वृद्धि होती है। इस प्रकार अंतिम गुण हानि में 3 ही वृद्धियां होती है। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो अज्ञायानं नमो लोए सवसाहूणं कमठजनीय वेणां उवै समुत्तिन्नये जिनेणं उत्कृष्ट संचय करने के लिए त्रस स्थिति के अंतिम काल में अंतिम जीव गुण हानि स्थानांतर के ऊपर उस जीव को रखा है, तो कितने काल तक रखा उसको आवली के असंख्यातवे भाग काल तक रखा है। कहाँ पर? अंतिम जीव गुण हानि स्थान में। तो वहां पर आवली के असंख्यातवे भाग ही क्यों रखा, अंतर्मुहूर्त काल तक क्यों नहीं रखा? तो उसका उत्तर दिया था कि वहां पर असंख्यात भाग वृद्धि एक ही होती है और असंख्यात भागानी ही होती है, तो वहाँ अवली का असंख्यात भाग काल तक ही उत्कृष्ट काल है उसका। असंख्यात भाग वृद्धि का, संख्यात भाग वृद्धि का या संख्यात गुण वृद्धि का, अंतर्मुहूर्त उसका उसका उत्कृष्ट काल नहीं है, इसलिए वहाँ पर वह अंतर्मुहूर्त नहीं रह सकता है।
अवले के असंख्यात वे भागी व अंतिम जीव गुणहानि स्थान में, अभी अंतिम जीव गुणहानि स्थान अभी नहीं बताया अपने को, तो वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि वहाँ पर काल कितनी हानि और कितनी वृद्धि होती है। तो यहाँ योग की जो अंतिम दुगुण वृद्धि है, मतलब एक गुणहानि है योग के अविभाग प्रतिच्छेदों की, उसमें तीन प्रकार की वृद्धि और तीन प्रकार की ही हानि होती है, ये सिद्ध किया। अभी जीव गुण हानि स्थान नहीं, जीव गुण हानि स्थान तो बहुत छोटा है, उसमें बहुत सारे वहाँ पर दुगुण वृद्धि में बहुत सारे जीव गुण हानियाँ बनेगी, वो सब अभी आगे आगे स्पष्ट होता जाएगा उसका स्वरूप। तो यहाँ पर अंतिम दुगुण वृद्धि स्थान में तीन प्रकार की वृद्धियाँ होती है, असंख्यात भाग वृद्धि, फिर संख्यात भाग वृद्धि, और अंतिम एक बार संख्यात गुण वृद्धि हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्कृष्ट योग स्थान है ना, वो यह इसकी दुगुण वृद्धि होकर के वहाँ अंतिम आया है, ऐसा लेना होगा। नहीं, एक बार दुगुना हो गया कि फिर जो हो गया वहाँ पर। कितने पेज नंबर है? 100 पेज नंबर है, दूसरा नीचे की दो लाइन। अब पूर्व भागहार के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें से एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर जो योग स्थान हो उसको आधार करके वृद्धि का विचार करते हैं। किसके वृद्धि का विचार करते हैं? पूर्व भागहार के उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके, पूर्व भागहार कितना है वहां पर? 80 है, उसके उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करेंगे तो उसको 4 से भाग दिया तो कितना हुआ? 20 हुआ। 20 20 20 कैसे खंड हुए? 4 खंड। तो उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड करके उनमें से एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने पर, मतलब उसमें 20 प्रक्षेप प्रविष्ट हो गए, मतलब 200 अविभाग प्रतिच्छेद आ गए, 200 जगन स्पर्धक प्रमाण व योग स्थान आ गया। 160 पहला था, उसमें 20 प्रक्षेप प्रविष्ट हो गए, एक खंड मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट हो गए ना, जहाँ से संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ हुआ था, पहली संख्यात भाग वृद्धि हुई थी तो वो कौन सा था? 200 जगन स्पर्धक वाला योग स्थान। तो उसको आधार बना करके अब उसके आगे कितनी वृद्धि होती है वो निकाल रहे हैं, उसको पहला स्थान बना लगाना। अब यह दुगुण वृद्धि का पहला स्थान लिया था 160, और उसमें अपन वृद्धि करते गए तो एक उत्कृष्ट संख्यात खंड मात्र उसके खंड किए थे, उसमें एक खंड मात्र प्रक्षेप प्रविष्ट हुए, मतलब 20 प्रक्षेप प्रविष्ट हुए, मतलब 40 स्पर्धक उसमें अधिक हो गए, तो 200 स्पर्धक वाला योग स्थान आ गया वहां पर। तो उसको आधार बना करके अब आगे वृद्धि की प्ररूपणा करते हैं। ये सब बहुत अच्छा लगा है प्रकरण, मतलब स्पष्ट हुआ है और आगे देखते हैं, और बहुत खुलासा हुआ है अभी आगे। यथा, यहाँ अर्ध योग प्रक्षेप का भी अर्थ नहीं समझ में आता था, लेकिन उसका अर्थ ये करना है आगे आए ना। हाँ, यहाँ पर है यथा अर्ध योग प्रक्षेप भाग। यथा अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उनमें से एक खंड का उसी में प्रक्षेप करने पर विवक्षित योग स्थान का प्रक्षेप भागहार होता है। अब यहाँ अर्ध योग प्रक्षेप भागहार मतलब क्या लेना, कि अभी अपन ने देखा था नीचे के योग स्थान और ऊपर के योग स्थान, ये बीच का हो जाएगा ना, थोड़ा सा मैक्सिमम ऐसे, मतलब अंतिम दुगुण वृद्धि का जो पहला योग स्थान है उसको अर्ध योग कहना, और उसका जो प्रक्षेप भागहार होगा उसको क्या किया, उत्कृष्ट संख्यात से खंडित किया, मतलब 4 से खंडित किया, उत्कृष्ट संख्यात अपने 4 माना है, 4 से खंडित किया, तो क्या हुआ, एक खंड कितना आया? 40। प्रक्षेप भागहार को खंडित करेंगे तो 20 आएगा, योग प्रक्षेप भागहार को खंडित किया तो 20 आया, तो 20 प्रक्षेप वहाँ प्रविष्ट हो गए। तो विवक्षित योग स्थान मतलब जहाँ से अपने को वृद्धि निकालना है, पहले दुगुण वृद्धि के पहले योग स्थान से कितनी वृद्धियाँ हुई वो निकाली, अब दूसरे प्रकार में क्या करेंगे कि बीच का योग स्थान लेंगे, अंतिम दुगुण वृद्धि के बीच का। बीच का मतलब कौन सा लेंगे? एक उत्कृष्ट संख्यात खंड जो है
उतने योग प्रक्षेप प्रविष्ट होने के बाद जो योग स्थान आया है, मतलब जो 200 स्पर्धक वाला जो योग स्थान है उसको आधार बना करके अब आगे कहते हैं। अर्धयोग प्रक्षेप होने जगह अर्धयोग प्रक्षेप भागहार कौन सा हो गया? अंतिम दो गुरुद्धि का जो पहला है योग स्थान, उसका जो प्रक्षेप भागहार है उसको अर्धयोग प्रक्षेप भागहार कहेंगे। तो मैं ये वो कह रही थी अर्धयोग क्यों कहा, क्योंकि जितने योग स्थान है ना उसके बीच का आ गया। नीचे की जो दो गुरुद्धियां है अभी अपने देखा था उन सब योग स्थान और अंतिम दुगुण वृद्धि में जो योग स्थान है वो आधे से अधिक है ऊपर, इसलिए वो अर्ध योग प्रक्षेप भागार हो गया बीच का। मतलब नीचे अपने देखा था ना, नीचे 20 और 10 और 5 मिला है तो 35 हो गया, आगे 40 है। और नीचे 40 उसका जोड़ करो आगे कितने है, 80 है। तो वो जो ऊपर के अंतिम दुगुण वृद्धि में योग स्थान होंगे उससे नीचे के जो योग स्थान है वो आधे से कुछ कम ही है और ऊपर जो है वो आधे से अधिक है, मतलब उस जितने नीचे हुए उससे कुछ अधिक है, इसलिए वो अर्ध योग आया ना बीच में। नीचे की सब दुगुण वृद्धि और अंतिम दुगुण वृद्धि ये आधी और ये आधी ऐसा हो जाए योग स्थान। इस प्रक्षेप भागहार का विरलन कर विवक्षित योग स्थान को समखंड करके देने पर प्रत्येक विरलन के प्रति एक एक प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। इनमें से एक प्रक्षेप को विवक्षित योग स्थान में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार यहाँ के प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात से खंडित कर उसमें एक कम एक खंड मात्र प्रक्षेपों के प्रविष्ट होने तक असंख्यात भाग वृद्धि ही होकर जाती है। पुनः एक प्रक्षेप के प्रविष्ट होने पर संख्यात भाग वृद्धि होती है। पूर्वोक्त असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान से यह चाहिए वहां पर बदल किया है, स्थान से स्थानों से चाहिए। पूर्वोक्त असंख्यात भाग वृद्धि के स्थानों से ये असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान विशेष अधिक है। कितना अधिक है? अर्धयोग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट वचन अर्धयोग प्रक्षेप वहां पर सब बहुवचन चाहिए, स्थानों से और का की जगह के और यह की जगह ए ऐसा, क्योंकि बहुत सारे स्थान हुए ना। कितने अधिक है? अर्ध योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से खंडित करने पर उनमें से एक खंड मात्र अधिक है। इस प्रकार यहाँ संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होकर संख्यात भाग वृद्धि तब तक जाती है जब तक कि एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र शेष खंड सब नहीं प्रविष्ट हो जाते, तब दुगुण वृद्धि होती है। परंतु यहाँ दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती क्योंकि अभी अंतिम दो अभी नहीं चाहिए क्योंकि अंतिम दो खंड मात्र प्रक्षेपों का प्रवेश नहीं होता है। नहीं होता है ऐसा चाहिए। अब इसको देखते हैं, अपने पहले जब देखी थी वृद्धि तो इसको आधार बना करके देखी थी। ये अंतिम दुगुण वृद्धि का पहला योग स्थान है, उसमें जो जगन्य स्पर्धक है 160 है इसका मतलब माना हुआ, और इसके जो योग प्रक्षेप भागहार है उसको 80 माना था, ये 80 है। अब इसमें वो अपने 80 का विरलन किया और इसको 160 का समखंड करके दिया तो एक एक प्रक्षेप का प्रमाण आया था और सब प्रक्षेप प्रविष्ट करने तक तीनों वृद्धियाँ हो गई, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि। अब यहाँ पर इस जगन्य मतलब अंतिम दुगुण वृद्धि के पहले योग स्थान में उत्कृष्ट संख्यात मतलब उसके खंड करो, 80 में उत्कृष्ट संख्यात का भाग दो तो कितने हुए? 20 हुए। तो यहाँ पर
उतने मतलब 20 प्रक्षेप इसमें प्रविष्ट हो गए। उसके बाद जो योग स्थान आया है वो योग इस योग स्थान को आधार बनाना है। अर्धयोग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करो। जो लब्ध आया उतने प्रक्षेप प्रविष्ट होने पर जो योग स्थान आता है उसको आधार बना करके आप वृद्धि की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर 20 प्रक्षेप प्रविष्ट हो गए तो कितना हो गए, ये योग स्थान आ गया 200 जगन स्पर्धक वाला। अब इसको आधार बना करके वृद्धि की चर्चा करनी है। इसको अर्धयोग प्रक्षेप भागार का, ये 80 को इस योग स्थान का जो योग प्रक्षेप भागार है उसको अर्धयोग प्रक्षेप भागार कहा। मैंने वहाँ उनको पूछा था रेवती तय को कि यहाँ पर कुछ अलग ये चाहिए, ऐसा कौन सा भी याद नहीं मुझे, थोड़ा अर्धयोग कहा है ना यहाँ पर, नहीं नहीं दूसरा कुछ ऐसा शब्द हो तो और अच्छा रहेगा ऐसा, लेकिन वो ही शब्द ऐसा बोलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखना है, अब इससे कितनी वृद्धियाँ होती है वो निकालना है इसके आगे। अब इस 200 को क्या करना, उत्कृष्ट संख्या से खंडित करो। हाँ नहीं, उसको पहले 5 का वर्णन करना है ना। अंतिम गुणहानि का प्रथम योग स्थान का प्रक्षेप भागार वो 20 है। एक खंड संबंधी प्रक्षेप भागार का विरलन कर उपरिम विरलन के एक खंड को ग्रहण कर समखंड करके देने पर प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। उपप्रक्षेप का प्रमाण आ गया। विवशित योग स्थान अधिक एक प्रक्षेप प्रथम वो तो ये आगे का प्रमाण निकलेगा। अधिक उत्कृष्ट संख्या का विरलन कर, कितना करना है इसमें नोट्स में 57 पेज नंबर है और अभी अपने पढ़ा था इसमें पेज पर है चैप्टर, वो सब समान दिखता है ना इसलिए वो तो इस योग स्थान का प्रक्षेप भागार कितना होगा, तो इसका जो प्रक्षेप भागार है 80 और इसको उत्कृष्ट संख्या से भाग दे करके जो लब्ध आया उसमें जोड़ो वो इसका प्रक्षेप भागार होगा। तो 80 और 20 बराबर 100 हो गया। अब इस प्रक्षेप भागार का विरलन करो, मतलब ये अपना तो ये है ना कि एक प्रक्षेप का प्रमाण 2 स्पर्धक है इसलिए इसका कितना योग प्रक्षेप भागार होगा 100 होगा। तो 100 का विरलन करो और उस पर इसको समखंड करके दे दो तो एक एक प्रक्षेप का प्रमाण क्या होगा 2-2 प्राप्त होगा। अब क्या करना उसके आगे, इनमें से एक प्रक्षेप को विवक्षित योग स्थान में मिलाने पर ये एक एक, एक यहाँ पर रखा है ना ऐसे समझो, यहाँ पर 100 बार रखा है और 200 का समखंड करके दिया है तो 2-2 ही आएगा उसके ऊपर, मतलब एक चय का प्रमाण आएगा। तो इस 200 में एक प्रक्षेप मिलाया तो कितना हो गया, तो इसको कौन सी वृद्धि कहेंगे, असंख्यात भाग वृद्धि कहेंगे। सूच्यंगल के असंख्यात में भाग प्रमाण स्पर्धक पड़े हैं यहाँ पर, फिर इसमें दूसरा प्रक्षेप मिलाया 204 हुआ, तीसरा प्रक्षेप मिलाया 206, इस प्रकार ये असंख्यात भाग वृद्धि होगी। कब तक असंख्यात भाग वृद्धि होगी, तो यहाँ पर प्रक्षेप भागार को उत्कृष्ट संख्या से भाग देंगे। ये प्रक्षेप भागार कितना है 100 है, इसमें उत्कृष्ट संख्या 4 से भाग दिया तो कितना आया 25 आया। तो जब तक 25 प्रक्षेप प्रविष्ट नहीं होंगे तब तक वो क्या कहेंगे, मतलब 24 प्रक्षेप प्रविष्ट होंगे तब तक वो असंख्यात भाग वृद्धि होगी। 24 प्रक्षेप पड़ेंगे तो कितने होंगे, यहाँ पर 248 तक बढ़ गए सब, क्योंकि 24 दुना 48 200 के ऊपर आ गए।
कितनी वृद्धि हुई? असंख्यात भाग वृद्धि हुई। और एक प्रक्षेप यहाँ बढ़ जाएगा तो 250 होंगे, तो यहाँ से संख्यात वृद्धि का प्रारंभ हुआ। इधर इधर ध्यान दो, संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ हुआ। तो ये कैसे निकालेंगे? तो 200 को उत्कृष्ट संख्या 4 से भाग दिया तो कितना आता है? 50। तो 200 में कितना बढ़ गया? 50। 50 हेच पण हे ब्लूज आहे ते हलवाली झाली की हे होते। असू दे आता, असू द्या, जोपर्यंत चालते तोपर्यंत चालू दे, जाऊ दे ते हे। तो यहाँ पर संख्या भाग वृद्धि कहाँ से प्रारंभ हुई ये देखना है। तो यहाँ जो योग प्रक्षेप भागहार था इसका कितना था? 100 माना हुआ, उसको अपने उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया तो कितना है? 25। तो 25 प्रक्षेप वहाँ जब तक नहीं मिलेंगे तब तक संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ नहीं होगी। एक कम इतने प्रक्षेप प्राप्त होंगे तब वहाँ पर असंख्यात, तब तक असंख्यात भाग वृद्धि, और इतने प्रक्षेप प्रविष्ट हो जाने पर संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होगा। बोला 250वां जो आएगा योग स्थान, 250 जगन स्पर्धक वाला, वहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी। फिर इसमें और आगे प्रक्षेप है, कितने प्रक्षेप है? 100 है, उसमें 25 प्रक्षेप इसमें ये हो गए, मिल गए, अभी प्रविष्ट हो गए, तो अभी 75 है। तो इसमें वापिस क्या होगा? वो 25 और मिल गए समझो, तो कितने हो गए वहाँ पर? 300 हो गए, तो भी संख्या भाग वृद्धि कही जाएगी। फिर कितने प्रविष्ट हुए? 20 प्रविष्ट, मतलब 10 प्रक्षेप प्रविष्ट हुए। मतलब अपना यहाँ पर योगस्थान कहाँ तक है? इसका दुगुना होने तक है योगस्थान, उसके आगे योगस्थान नहीं है। तो 360 के दुगुना किया तो 320 आएगा अंतिम, तो यहाँ तक ही बढ़ेगा ना, उसके आगे बढ़ेगा नहीं। तो इस योगस्थान को आधार करके अपन ने देखेंगे तो दो ही वृद्धियां होगी इसमें, केवल असंख्यात भाग वृद्धि हुई और संख्यात भाग वृद्धि हुई। 200 से दुगुना जब होगा तब संख्यात गुण वृद्धि प्रारंभ होगी, तो 200 का 400 होगा तो वहां पर दुगुन वृद्धि होती, लेकिन इतने अपने पास खंड प्रविष्ट नहीं करना है क्योंकि अभी कितने प्रविष्ट होना चाहिए तो वहां पर ये बताया ना उन्होंने। अर्धयोग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से खंडित करने पर उनमें से एक खंड मात्र अधिक है, नहीं वो इसका एक किया, यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान यहाँ से कितने हुए थे और यहाँ से यहाँ कितने हुए, उन दोनों की तुलना की है। तो पहले असंख्यात भाग वृद्धि के जितने स्थान हुए उससे इसमें कितने अधिक हुए, तो उसको निकालने का तरीका बताया। असंख्यात भाग वृद्धि के स्थानों से असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान विशेष अधिक है, कितना अधिक है? तो योग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से खंडित करने पर, मतलब 80 को अर्धयोग प्रक्षेप भागहार कितना है? 80, उसको उत्कृष्ट संख्यात का वर्ग 16 से भाग दिया, 4 का वर्ग, उत्कृष्ट संख्यात का वर्ग 16 हो गया, मतलब 4 का वर्ग 16 हो गया, उसका भाग दिया तो कितना आया? 5 आया। तो यहाँ पर कितने अधिक हो गया संख्यात भाग वृद्धि के स्थान, वहां पर कितने हुए थे? 40 हुए थे, 20 हुए थे, और यहाँ पर कितने अधिक हुए? 5 अधिक हुए, मतलब 25 हुए ना। असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान वहां पर 19 थे, यहाँ पर उसके दुगुना 24 हो गए, 24 हो गए, क्योंकि 25 हो जाएंगे तो संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ होगी ना। यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान एक कम उत्कृष्ट संख्या से भाग देने पर जो लब्ध आया उसमें एक कम करो
उतने असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान थे। और यहाँ पर भी कितने असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान है, इस प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्या से भाग दो तो 25 आया, उसमें एक कम करो उतने असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान होंगे। तो यह कितने होंगे, इसमें 24 होंगे। ये 202 से लेकर 48 तक दो दो बढ़ते गए ना, तो 24 स्थान हो गए। और यहाँ पर कितने हुए थे, 19 हुए थे। तो वो अधिक का प्रमाण निकालने के लिए क्या किया, इस योग अर्धयोग प्रक्षेप भागहार को उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से भाग दिया और जो लब्ध आया उतने यहाँ पर अधिक है, असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान अधिक है। योग प्रक्षेप भागहार को 160 को नहीं, योग प्रक्षेप भागहार कितना है, 80 है, उसको 16 मतलब उत्कृष्ट संख्यात के वर्ग से भाग दिया तो जो लब्ध आया उतना पूर्व के जो असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान थे उससे ये अधिक हो गए, असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान। तो असंख्यात भाग वृद्धि के स्थान इतने अधिक हो गए। इस प्रकार यहाँ संख्यात भाग वृद्धि का प्रारंभ होकर संख्यात भाग वृद्धि तब तक जाती है जब तक कि एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र मतलब 24 या माना हुआ 25 में एक कम करो मात्र शेष खंड सब नहीं प्रविष्ट हो जाते तब दोगुण वृद्धि होती है, परंतु यहाँ दुगुण वृद्धि नहीं उत्पन्न होती। संख्यात भाग वृद्धि कब तक जाएगी, जब तक एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र शेष खंड सब नहीं प्रविष्ट हो जाते, मतलब चार खंड है ना, सब प्रविष्ट जब तक नहीं होंगे, मतलब सौ विरलन किया है और दो 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 उसमें दिया है और उसमें 25 तो समाप्त हो गए और शेष जो है एक कम उत्कृष्ट संख्यात मात्र चार खंड हुए ना, 25 और 25 के, तो एक प्रविष्ट होने पर वहाँ पर संख्यात भाग वृद्धि प्रारंभ हुई और ये सब प्रविष्ट होंगे तब इसकी दुगुनी वृद्धि होगी। ये बचे हुए जो उत्कृष्ट संख्यात मात्र खंड जो किए हैं इस योग प्रक्षेप भागहार के, वे सब प्रविष्ट होंगे तब वहाँ दुगुनी वृद्धि होती, लेकिन यहाँ पर ये सब प्रविष्ट होना नहीं है क्योंकि इतने योग स्थान नहीं है, इसलिए यहाँ पर दुगुनी वृद्धि नहीं होगी। यहाँ दुगुनी वृद्धि नहीं उत्पन्न होती क्योंकि अंतिम दो खंड मात्र प्रक्षेपों का प्रवेश, मतलब इन दो प्रक्षेपों का प्रवेश नहीं होगा, इसका थोड़ा होगा लेकिन पूरा नहीं होगा क्योंकि ये दो खंड तो पूरे प्रविष्ट हो जाएंगे, 250 होंगे, फिर ये दूसरा भी प्रविष्ट होने के बाद 300 होगा और इसमें से केवल 10 प्रविष्ट हो जाएंगे या 320 होगा तो ये लास्ट हाँ, फिर गुणवृद्धि नहीं हुई ना। हाँ, अपने अंतिम दुगुण वृद्धि के बीच का स्थान लिया तो उसमें कितनी वृद्धियां हुई, केवल दो ही वृद्धियां हुई, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि नहीं हुई है। संख्यात गुण वृद्धि कब होती है कि सब प्रविष्ट हो जाते हैं लेकिन उतने योग स्थान नहीं है, इसलिए वहां पर गुण वृद्धि नहीं होती है, ये सिद्ध किया है।